I'm weird और so good you tell. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं आप सारे के सारे. कल का फिजिक्स के पेपर का वो सदमा तुम लोग का चला गया. तुम में से मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो क्या जो कि क्या बोलते हैं जिनका कल मैथ्स का. अच्छा पहले मुझे एक बात बताइए प्लीज. एक बच्चे ने भी ऐसा कहा है कि उसके यहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम हो रही है. आर के क्रिश्चियन जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थोड़ा सदमा है. सदमा से बाहर आ जाओ बच्चे. देखो बच्चे आपके सामने आपके फ्रेंड्स ही मैसेज कर रहे हैं कि नो मैम नो वॉइस इश्यू सब बिल्कुल क्लियर है. सो हाउ कैन मैं कैसे मान लूं आपकी बात की आपको वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. तो प्लीज बेटा जी अपने एंड से ही आप उसको क्लियर करने की कोशिश करिए. बिकॉज बेटा प्रियंका जी आई 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 अश्योर यू ना कि तुम्हारा बायो का पेपर एकदम क्लास जाने वाला है. आके मुझे बताओगे. यस मैम बायो में नमस्ते शिव जी. बायो का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ. मजा आया उसको करने में. गुड इवनिंग जी. अच्छा जी आप पहले मुझे आप ये सारे के सारे बता दो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सारे के सारे कल वाले ही बच्चे हैं. तो तुम लोग क्या चाहते हो एंजियोस्पर्म हम लोग आगे कंटिन्यू करें या फिर हम लोग लेके आए हैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. मैं सोच रही हूँ पहले एंड में हम लोग फोर्थ फिफ्थ और सिक्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं फर्स्ट 45 मिनट्स में और उसके बाद हम लोग जाते हैं एंजियोस्पर्म में इफ यू गाइस अलाउ. बताइए जी मैम कल तो क्लास का लिंक हमें मिला ही नहीं. मेधा जी आपका ये प्रॉब्लम जो है ना मैंने उनको नाम आपका मैसेज करके भेज दिया है. नहीं बच्चे जी मैं एंजियोस्पर्म की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा था मॉर्फोलॉजी चैप्टर फिफ्थ. सॉरी 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 सॉरी. अरे भावनाओं को समझ जाया करो यार. कल हमने चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट किया था ना वो फूल फूल सब मेरे उसमें एंजियोस्पर्म ही चलते हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. चैप्टर सिक्स करा दीजिए. ये तो नया ही ले आए. ऑफ कोर्स मैम बायो का एग्जाम अच्छा ही जाएगा. बिल्कुल अच्छा जाएगा. सिमरन जी एक बार पहले मैं सारे बच्चों के आंसर्स देख लूं बिकॉज मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. तो हम एक काम करते हैं. दो चीज आपको पता है कि मैं तीनों चीजें लेके नहीं चलती हूँ बिकॉज अगर हम तीनों नाव में पैर रखेंगे ना तो हम पक्के डूबेंगे. दो नाव में हो सकता है रोहित शेट्टी की पिक्चर हो तो हम बच जाए पहुंच जाए अपने उसमें एंड तक. तो तीन में तो हम कर ही नहीं सकते. क्या बात है प्रीति जी. थैंक यू सो मच इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए. हाँ जी तो हम एक काम करते हैं कि हम दो चैप्टर्स करते हैं. आकृति थोड़ी सी एक काम करते. लो सिमरन जी का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ना. मैम पोल करा दो. साक्षी जी जो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना बच्चे उसका मतलब ही ये होता है. हाय मुस्कान आपकी डीपी बहुत अच्छी है. कि क्या बोलते हैं आपको. साक्षी कल आपका एक और क्लास लगेगा तो आपका जो फ्रॉग वाला बच्चा हुआ है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा. डोंट वरी. तो हम एक काम करते हैं आज की क्लास के लिए. हाँ जी वही मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स ही करवा देते हैं और वो भी आपके किस फॉर्म्स में जाएंगे बच्चे जी. वो आपका जाएगा जो आप लोग कह रहे हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे. तो वो आपके जब हम ये पार्ट करेंगे ना तो आपको मोस्टली जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी. फ्रॉग वाला नीरज जी एक बार आप मुझसे लास्ट में बात करिएगा. मेरे पास अगर वो कंटेंट अभी इस टाइम पे अवेलेबल होगा तो मैं आपको लास्ट में जो फ्रॉग वाला कंटेंट है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा दूंगी. ठीक है चलिए जी. सो लेट्स स्टार्ट विथ की आज की हमारी जो क्लास है. इट एक मिनट का और टाइम लेते हैं फिर उसके. अच्छा तुम में से कितने बच्चे हैं जिनका कल मैथ्स का भी पेपर है फिर भी बायो पढ़ने आए हो. ओके नंदिनी जी. शिव जी आपका मैथ्स का भी पेपर है. ऑल द बेस्ट. ओके चेष्टा. ओके वैष्णवी. ठीक है सारे बच्चों का मैथ्स का भी पेपर है बट कोई बात नहीं. पूरे दिन आज मैथ्स मैथ्स ही की होगी तो 1 घंटे में बायो कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट आज के जो 1 घंटा है ना बच्चा वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं कह लो कि आपको मतलब जैसे कह सकते हैं ना 50-50 वाला नहीं जैसे हम कह सकते हैं 80-20 वाला जो चांसेस है कि मोस्टली चांसेस हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस या माइट भी उसको थोड़ा सा चेंज कर दें बट उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे. मैम चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट्स भी ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा प्लीज. ओके परवीन जी मैं ये आपकी बात जो है पहुंचवा दूंगी. मैं इस चीज को लिख लेती हूँ कि इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो भेजना है आपको. ओके जी. 7 से 9 मैथ्स की क्लास ली थी. क्या बात है इतने डेडिकेटेड लोग यार. 7 से 9.5 ली थी. 9.5 तो अभी हुआ भी नहीं है. 8.5 ली होगी. चलो जी मैंने भी अभी 7 से 8 8.5 जो क्वेश्चन क्लास ली थी. क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रिया.
के लिए आपकी क्लास मॉडरेटर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने कह दिया है, मैंने उनको क्या बोलते हैं, जितने भी आप लोगों ने कल ग्रुप बताए थे ना, सारे के जो जो सारे ग्रुप्स हैं हमारे जो सीनियर हैं उनको बता दिया है कि इन सारे बच्चों को जो है ये वाला कंटेंट चाहिए, तो वो आपके सारे के सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो जाएगी। जितने बच्चों को आज के क्लास के लिंक्स जा रहे हैं ना, जैसे जो भी टीचर उनको पढ़ा रहा है, उन सबको ये जो चीजें हैं मिलेंगी। इतने सारे लोग अब हैंड में वेव करो। अमृता, वॉइस कम नहीं आ रही है बेटा, अपने आप को आप रिफ्रेश करो, ठीक है। चलो भाई, कोई 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 जरूरत नहीं है हैंड रेस करने की, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए जी, सब अपने हैंड्स को रख लीजिए अपने पास, क्या कॉपी और पेन के पास, ठीक है। चलो जी, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले राउंड, और हियर कम्स द योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पहले मुझे बताओगे, आप लोग के पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, ऑडियो वीडियो एंड पीपीटी, ऑल क्लियर? फटाफट से एक बार बताओ। योगिता, आप एक बार मुझे लास्ट में बताइएगा बेटा, 10:30 बजे, ठीक है। उस टाइम पे मैं क्या कर लेती हूँ ना, ग्रुप के नाम लिख लेती हूँ, फिर उन्हीं ग्रुप्स में आपको पक्का भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जी, सारे के सारे बच्चे अगर कह रहे हैं कि सब क्लियर है, और एक दो बच्चे अगर कह रहा है कि वॉइस कम है, तो बेटा इससे तेज मैं नहीं बोल सकती। आपने क्या बताया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। इकरा, मैं ये कह रही हूँ कि जिसको भी कोई चीज कंटेंट नहीं मिला हुआ है वो गुड इवनिंग मुझसे 10:30 बजे बात करेगा कि कौन से ग्रुप में है और आपका नाम क्या है, ठीक है। बच्चे, कल आपकी क्लास में एक बच्चियां थी, वैष्णवी, अंजलि कुमारी एंड कुमकुम एंड सिमरन, आप में से कोई है क्या क्लास में इस टाइम पे? वैष्णवी, अंजलि कुमारी, कुमकुम तिवारी एंड सिमरन। अच्छा, आपका नाम भी ग्रुप में नहीं है, अनुज, ठीक है। आप लोग जिनका जिनका नाम ग्रुप में नहीं है ना, वो प्लीज क्लास एंड होने के बाद एक बार रुकेंगे, मुझे उनसे थोड़ी बहुत चीजें जो है वो लेनी है, ठीक है। चलो जी, अब हम क्लास कर देते हैं स्टार्ट, वरना जो हमारे क्लास के पढ़ाकू बच्चे हैं ना, वो भाग जाएंगे। चलो जी, पहला क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज मीजोग्लिया। चलिए जी, आप लोग मुझे पहले बताएंगे, हाँ जी आकृति, हम लोग लास्ट में बात करेंगे अब, कि मीजोग्लिया क्या होता है। और मेरी एक शार्प जो आई है वो आप लोगों की उसमें है कि आप लोग मैसेज क्या भेज रहे हो, फटाफट से शॉर्ट में मैसेज कोई नहीं भेजेगा, 1 मिनट का टाइम है, सारे के सारे बच्चे लिख के बताएंगे, और 1-30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल सही, आपने जिलेटिन लेयर बिटवीन टू जर्म लेयर्स, बट कौन सी जर्म लेयर्स अगर लिख देती तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, मतलब बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और कोई पॉइंट इसके बारे में जो एक वर्ड मैं सुनना चाहती हूँ, जैसे लास्ट क्लास में तो अभी एक बच्ची ने वो वर्ड बोला गया था, मीजोडर्म की जगह, कह सकते हो एक बार को मीजोडर्म की जगह है मीजोग्लिया। ये सब तो ठीक है, बट ये एक्चुअली में है क्या, कैसा दिखता है, ये सब तो कुछ बताओ, कोई तो आइडिया दो कि कैसा दिखता है। मीजोडर्म पाउचेस हैं, बिल्कुल सही, जेली लाइक है, बिल्कुल पायल ने कहा। चलो जी, ये सारे जो हमारे लास्ट क्लास के बच्चे थे ना, ये सब जो थे वो, ये उनके कॉमेंट्स में आपको दिखा रही हूँ, क्या है कि दे आर फाउंड इन स्निडेरिया, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चे जी, चलिए जी, अब पहले सबसे सारे के सारे मैसेजेस देखे, मैसेज नहीं, कोई भी यहाँ पे देखेगा स्क्रीन पे, ठीक है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जेली लाइक है और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, आप सबको पता होना चाहिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का क्या मतलब है। फिर होता है कि दे आर फाउंड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। चलिए जी, आगे आ जाइए, जो मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है, मीजोग्लिया बेटा जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो यू आर गोना राइट दिस कि ट्रांसलूसेंट जेली लाइक नॉन लिविंग सब्सटेंस, क्या है ये, ट्रांसलूसेंट जेली लाइक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये तीनों वर्ड आप लिख के आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा जरूर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या है, हम सब ने पढ़ा था, और बहुत सारे बच्चे तो मेरे ग्रुप के मुझे नाम याद भी है उनके, जब मैंने आपको पढ़ाई थी जर्म लेयर्स, कि जर्म लेयर्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, 3 टाइप्स की जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे जी, मेरा क्या हो गया है, नेट ओवर, चलिए जी ठीक है, बैक। हमने क्या करा था, 3 टाइप्स की लेयर्स पढ़ी थी, एक्टो, मीजो और एंडो। इन तीनों लेयर के बेसिस पे हमने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को, या कह लो एनिमल किंगडम को, हमने पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक था डिप्लोब्लास्टिक और एक था ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमारे वो आ रहे थे जो कि सिर्फ 2 जर्म लेयर से बने हुए थे। कुमकुम जी सॉरी जी, मैं अभी क्लास में
वैसे मैंने अपने उनको बोला था कि क्या बोलते हैं कि आप लोगों को पीपीटी सबको भेज दो, बिकॉज मैंने 12 बजे आज सब कुछ काम कंप्लीट करके उनको भेज दिया था, तो कहीं ना कहीं माइट भी ट्रैफिक ज्यादा है तो कहीं अटकी हुई होगी, बट क्लास के एंड होते टाइम पे आप प्लीज रुकिएगा। सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं लास्ट बार ये रिपीट कर रही हूँ कि जिन बच्चों को भी पीपीटी वीडियो या किसी ग्रुप वाला का या फिर लिंक से रिलेटेड कुछ भी इशू है, प्लीज वो क्लास के एंड में रुके, क्योंकि आज मैं सब बच्चों के नाम लिख रही हूँ और वो कौन से उससे कौन से स्कूल और उनका जो रोल नंबर वगैरह है वो सारी चीजें भी, सो दैट मैं उनको जो है इसमें लिंक वाले जो ग्रुप्स है उनमें ऐड करवा दूं। बच्चे अभी नहीं, प्लीज क्लास के एंड में, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी नीरज जी, सब करेंगे हम, ठीक है? चलो ठीक है पायल जी, प्लीज हम लोग बात करेंगे बेटा जी 10:30 पे, ठीक है? 1.5 घंटे की क्लास है ये। चलो जी, अब क्या हम लोग पढ़ते हैं सब, अभी देखो साथ में डायग्राम्स भी चल रहे हैं, ठीक है? क्या है, डिप्लोब्लास्टिक में कौन से थे हमारे 2 जर्म लेयर्स थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब थोड़ी देर के लिए मैं मैसेजेस नहीं देख रही हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट लुकिंग एट माय स्क्रीन। फिर क्या था जर्म्स, और तीसरा हमारा दूसरा हमारी जो थी दैट वॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें क्या हमारी तीनों थी, एक्टो एंडो और मेसोडर्म, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, मतलब जिन जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कहीं ना कहीं बीच में प्रेजेंट होती होंगी। अब ये कौन सा ग्रुप शो करते हैं, तो निडेरियंस और स्पॉन्जेस जो है इस टाइप का फीचर जो है उसको शो करते हैं। मीजोक्लिया है, अभी आपको जस्ट बता दिया कि किसमें प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक, तो किसके बीच में प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ना, तो आप साथ में डायग्राम भी बना के आओगे ऐसा, ये तो आपकी एक एंडोडर्म है, ठीक है? ये क्या है हमारी एंडोडर्म है, बाहर वाली जो आपको दिख रही है ये हमारी एक्टोडर्म है, ठीक है? जो बाहर वाली लेयर है, बीच में जो एक ये लिक्विड जैसा दिख रहा है ना आपको, दिस इज योर मेसोग्लिया। और यही बस इतना सा भी डायग्राम बना के आ जाओगे ना एग्जामिनर में, तो अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तुमको और कुछ भी नहीं याद आ रहा है बच्चे, तो तुमको आधा या मेरे हिसाब से 1 नंबर तो दे ही देंगी, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्या है कि मैं तुमको हमेशा बोलती हूँ कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स एंड योर एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है जी? चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग आइडिया दोगे, आपको कितना पता है इसके बारे में? नीरज आपने क्या मैसेज किया बच्चे, मैं देख नहीं पाई एक्चुअली, वो बहुत जल्दी। मैम आप एक बार डायग्राम रिपीट करना। ओके जी नीरज जी, लीजिए डायग्राम बेटा, ये कह रहा है हमारा कि एक सेकंड आक्रम, मैं अभी मैसेजेस देख रही हूँ, जस्ट एक मिनट। ये हमारा जो डायग्राम है ना, एक हमारी लेयर बनी हुई है अंदर, ठीक है जी? आप देख रहे हो ये बच्चे हमारी जो लेयर है, सॉरी तुम लोग के तुम्हारे चक्कर में डायग्राम गड़बड़, ये हमारी एंडोडर्म की लेयर है, ठीक है? और ये बाहर वाली जो है ये हमारी एक्टोडर्म की लेयर है, ये देख रहे हो आप, ये एक्टोडर्म है जो ये व्हाइट और रेड वाली हो रही है, और ये जो अंदर ग्रीन वाली है ना बच्चे जी, ये हमारी एंडोडर्म है, ठीक है? इसके बीच में एक जो वो पड़ा हुआ है ट्रांसलूसेंट सा जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। बस इतना ही आपको लिख के आना है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया और बिल्कुल सही सही आंसर दिया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, कि जो हमारे उसमें जाइगोट से सीधे बर्थ दे दे वो होता है हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि क्या अपना ह्यूमंस का केस, ठीक है? जैसे कि ह्यूमंस में होता है, और वो स्टेज जहां पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल चल रही हो, कि लार्वा बन रहा है, कैटरपिलर बन रहा है, फिर जाके बटरफ्लाई बन रही है, तो या फिर कह लो कोई और ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट मतलब कि क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब, इनडायरेक्ट मतलब होता है हमारा जिसमें कि लार्वा चल रहे हो। संजना जी ये चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 4, इसके बाद हमारे 5th और 6th के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाय तेहरा तेहरा जी, गुड इवनिंग, बहुत टाइम बाद दिखे आप। चलो जी देखो, प्लांट किंगडम तो बेटा मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा रुक जाना तुम क्लास के बाद, फिर उसके बाद मैं तुमको और अच्छे से बताऊंगी कि तुम उसमें क्या चीज मिस कर रही हो। चलो जी अब आप इसको देखो फटाफट से, चलो पहले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कि व्हेन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में एक जो एग के बाद स्टेज बन रहा है ना, वो बन रहा है लार्वा का, ठीक है? एग सपोज है, उसके बाद में लार्वल स्टेज बन रहा है, और उसके बाद वो जाके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है? इतना आप लिख सकते हो कि एक एग वाला स्टेज है, फिर लार्वल स्टेज है, और फिर वो जाके हमारा एडल्ट आ रहा है, ठीक है? एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा है। नमन जी प्लीज क्लास में रुक जाइए। अब मैं ये बात बार बार नहीं बोल सकती हूँ सबसे, कि प्लीज 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 एवरीवन, जिसको कोई भी डाउट है प्लीज वो 10th
चलो 10:20 कर देती हूँ। इतना तो रुक सकते हो, 1 घंटा 5 मिनट रुक जाओ प्लीज। बेटा मनोज जी वो तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, बस 1 घंटा 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगी। एटलीस्ट हम चैप्टर ये कंप्लीट तो करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वरना तुम लोग की बातें, हम लोग यहाँ बातें करने नहीं आए ना बच्चे, क्वेश्चंस डिस्कस करने आए, जो कि बहुत ही जिनके हाई चांसेस है तुम्हारे एग्जाम में आने के लिए। तो थोड़े टाइम के लिए आप कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, कोई मैसेज मैसेज हम लोग नहीं खेल रहे अब। चलो जी, अब मैं किसी की बात नहीं सुन रही हूँ। चलो फिर क्या हो रहा है कि जब किसी भी लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या लार्वल स्टेज आता है, रूबी कैसे क्लियरली दिखता है, जैसे शब्बीर जी दैट इज नॉट अलाउड ना, अगर मैं मैसेज बॉक्स बंद कर दूंगी तो आपको पता है कि मैं क्लास के में ध्यान कैसे दे पाऊंगी कि बच्चे हैं या कोई नेटवर्क ग्लिच तो नहीं है। चलिए जी, आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। देखो जब हम लोग छोटे थे ना, तो वी यूज, हम लोग क्या गाँव जाते थे अपने, तो देखते थे जो एक पॉन्ड होता है ना, उसमें बहुत सारे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, ऐसे हम लोग को लगता था ना कि ये मछलियां हैं, ठीक है, क्या कहते थे हम लोग कि ये मछलियां हैं, बट बाद में हमें पता चलता था कि वो जो ये आपके स्ट्रक्चर्स है ना, वो थोड़े टाइम बाद कुछ ना हद तक क्या फ्रॉग का स्ट्रक्चर लेने लगते हैं। फ्रॉग आपको पता है ना, बहुत हद तक वो हमारा किसकी छिपकली की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है, बट उसकी क्या एक पूंछ भी होती है उस टाइम पे, जब ये टैडपोल स्टेज पे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पूंछ भी प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये जो स्टेज आती है ना, इसी को हम कहते हैं हमारा क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर आप समझते हो। देखो आप में से मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों ने इसको किस टीचर से पढ़ाया और उसने कैसे आपको समझाया है, बट मैं आपको ना जो एक चीज समझाना चाहती हूँ वो है हमारा ये, ठीक है, क्या है ये चीज हमारी। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम में, तो आप ये चीजें लिख के आओगे। बच्चे मुस्कान, पता है मैं जब करती हूँ ना तो दो चीजें साथ में चल रही होती है, एक यहाँ पे स्क्रीन, एक यहाँ पे स्क्रीन, तो मेरे को दिख रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। समझ में नहीं आता कैसे बच्चे आते हैं क्लास में। यू आर म्यूटेड अमृता जी, आप लिख रहे हो, मतलब उतनी देर से अगर मैं कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, हाँ, तो हाउ कैन यू से कि मैं म्यूटेड हूँ। चलो जी, पता नहीं कभी कभी थोड़े से हाँ अजीब से बच्चे आ जाते हैं क्लास में। चलिए जी कोई बात नहीं, उनसे भी डील करना आना चाहिए, बट इट्स ओके, अब कोई भी ना बच्चा मैसेज नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप सिंगल मैसेज भी करेंगे तो आई एम सीरियसली दिस टाइम पे, हाँ, मैं आपका जो मैसेज बॉक्स है उसको ऑफ कर दूंगी। चलो अब आपको जो पढ़ने वाली बात है प्लीज उसको सुन लो ध्यान से, ठीक है। अशिव जी प्रॉब्लम यही है ना बच्चे की, फिर क्या होगा ना कि मैं समझ नहीं पाऊंगी कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है, बस इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलो जी क्या है, अब पहले बात सुन लो, डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट, जैसे अभी तुमसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए, बट तुम्हें अगर ना दोनों पता होंगे तो कोई भी पूछा जाएगा एग्जाम में तुम उसे लिख सकते हो, और साथ ही साथ अगर इनकेस आ गया डिफरेंसेस पूछना तो वो भी आप क्लास में क्या अच्छे से समझा सकते हो। देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट में जब आप करते हो ना बात, आप इसको एग्जाम्पल लेके समझो ह्यूमंस का, और इनका एग्जाम्पल लो फ्रॉग का, ठीक है, या सबसे अच्छा प्यारा और सबसे सुंदर एग्जाम्पल जो आता है ना बटरफ्लाई का। और अगर आप लोगों ने अपनी एनाटॉमी वाला वो पढ़ा होगा चैप्टर 7th वाला, तो उसमें एक कॉकरोच को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अगर हम लोगों ने साथ में पढ़ा तो विल एक्सप्लेन दैट बहुत अच्छे से, ठीक है। तो तुम इन सबसे इसको क्या है आप लोग कंपेयर करते रहो, कैसे कि आप देखते हो कि आप किस चीज से, ह्यूमंस ले लो या मंकीज ले लो या डॉग ले लो, आप दूर के बच्चों को बता सकते हो कि ये किसका बेबी है, राइट, बट इनके के साथ ऐसा केस नहीं है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो फ्रॉग ना स्टार्टिंग में ऐसे, ये क्या फिश लाइक स्ट्रक्चर इनका होता था, ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि वो कैसे छिपकली की तरह हो जाते थे जिनकी क्या एक पूंछ होती थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये जो यहाँ पे यंग वाले है ना, वो रिजेम्बल करते हैं एडल्ट से, किससे, जो एडल्ट होता है उससे रिजेम्बल करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो यंग वंस हैं दे डू नॉट रिजेम्बल विद द एडल्ट वन, ठीक है। आप देख के नहीं बता सकते कि ये मछली है या आगे चल के क्या फ्रॉग बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो कैटरपिलर बनता है बटरफ्लाई के स्टेज में, उसको भी आप देख के नहीं बता सकते कि ये क्या बनेगा। फिर देखो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एग, फिर वो क्या लार्वा, और फिर आपका क्या एडल्ट में चेंज हो जाएगा, देख रहे हो। तो लार्वा क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एग और एडल्ट के बीच की स्टेज है, बट यहाँ पे क्या है कोई स्टेज प्रेजेंट नहीं, और यहाँ पे आपकी स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो है हमारा क्या कि मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट। अब इंटरमीडिएट का मतलब होता है बच्चे, जैसे एग से
सीधे अगर एडल्ट बन जाता, जैसे तुम उसको देखो, स्नेक्स होते हैं, सांप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो अंडा होता है, फिर अंडे से ही जैसे ही वो बाहर निकलता है, भले छुटका सा होता है बट हम देख के पहचान देते हैं, सॉरी, ये जो है हमारा क्या, सांप का, सांप है ये, ठीक है। बट इनके साथ जब अंडा होता है, उसको आप देख के नहीं पहचान सकते कि ये क्या निकलेगा आगे चल के। जिनका लार्वल स्टेज होता है ना, वो अलग होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, मेटामॉर्फोसिस। कौन सा बच्चा है क्लास का धुरंधर जो मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटामॉर्फोसिस? फटाफट से, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? मेटामैरिज्म अलग है बच्चे, मेटामॉर्फोसिस अलग है। इसको अलग अलग करके देखो, मेटा प्लस मॉर्फोसिस। थोड़ा सा पास आए हो प्रियांशु जी आप, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो 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 क्या होगा। नो, अरे तुम लोग ऐसे करो ना, मेटा और मॉर्फोसिस दोनों को अलग अलग करने का ट्राई करो। नहीं यार, तुम लोग वहां क्लोज तक नहीं पहुंचे हो। ये देखो, कशिश जी ने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी, बिल्कुल सही। अभी किसी ने कहा ना, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए जी, क्या है जो मैं आपसे सुनना चाहती थी, वो यही है, ठीक है। क्या आपने बोला, और जिसने भी बोला बिल्कुल सही, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इसको आप ना, मैंने आपसे क्या कहा, अलग कर दो उसे, एवोल्यूशन तो नहीं कहोगे एक तरीके से, नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही कहा है पायल आपने, ठीक है। मेटा और मॉर्फोसिस को अलग कर दो। मॉर्फोसिस का मतलब होता है बेटा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का कोई बात नहीं है अपर्णा जी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर, गुड इवनिंग जी, और या फिर कह लो बाहरी फीचर्स, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, मेटा मतलब होता है डिफरेंट, मेटा मीन्स क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरली, मतलब उस पे ना एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे ठंड ज्यादा हुई तो इस वजह से ऐसा हो गया, या यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ी तो इस वजह से हो गया। नेचुरली, जो अभी किसी ने वर्ड यूज किया ना, नेचुरली, ठीक है, ठीक है। चैप्टर थर्ड है, सॉरी फोर्थ है ये, ठीक है। नेचुरली जो उसमें चेंज आएंगे ना उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, उसको हम कहते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है जी। आई गेस इससे ज्यादा क्लियर आपका कोई नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए जी, आगे बढ़ जाओ। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की जो स्किन है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ये आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा, बट आई डोंट वॉन्ट कि आपको आइडिया लगे, तो आप मुझे बताओ कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की जो स्किन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। नो, वैष्णवी किसने कहा कि एम्फीबियंस में सेगमेंट्स होते हैं? एम्फीबिया का एक एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल सही आपने कुमकुम कहा कि इसमें मॉइस्ट स्किन होती है। साक्षी जी, ये क्लास जो चल रही है ना, प्लांट्स की नहीं चल रही है, हाँ, ब्रायो को ब्रायोफाइट ज्यादा रहे, ये चल रही है बच्चे हमारी क्लास एनिमल्स की। अब एक बार देख लो क्या कहानी है इनकी, कोल्ड ब्लडेड, और इसमें तो मत ही पहुंचो। चलो देखो 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 क्या है एम्फीबिया, क्या है बच्चे हमारे, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको वाटर और लैंड दोनों चाहिए। अब सारे के सारे स्लाइड्स पे देखेंगे प्लीज, जिनको वाटर और लैंड दोनों चाहिए, किस चीज के लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा जब कोई टीचर पूछता है ना, तो उसके थोड़ा सा आजू बाजू भी चीजें जो है ना आपको बता, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब यहाँ पे वाटर इज रिक्वायर्ड, दैट मींस उसकी स्किन कैसी होगी, फुल ऑफ मॉइस्चर। जैसे वो सेलिब्रिटीज नहीं, क्या बोलते हैं, क्या वो करते रहते हैं, किस चीज का एक है ना वो मॉइस्चर वाला, कौन सा, वो फेस मास्क, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो स्किन है वो कैसी रहे, मॉइस्ट रहे, फुल ऑफ मॉइस्चर रहे। बल्कि अगर आप रेप्टाइल्स को देखोगे, छिपकली को कभी देखा है घर में, उसके ऊपर तुम क्या करना ना, पानी डालना हल्का सा, वो ना अपने आपको ऐसे करेगी हल्का सा, तो सारा का सारा पानी जो है ना वो एक बार में उतर जाएगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि उसकी जो स्किन है ना बच्चे, वो ड्राई है। अब वो ऐसा क्यों है, अब ये है उसका आंसर, कि एम्फीबिया जो होते हैं ना उनकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है,
स्टिकी होती है, ठीक है, फुल ऑफ मॉइस्चर होती है और हाईली पोरस होती है, मतलब कि छेद छेद जो होते हैं ना उनकी बॉडी में प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं। बल्कि जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चे जी, उनकी जो स्किन है वो वाटर प्रूफ होती है। कैसी होती है? वाटर प्रूफ होती है, ठीक है, वो जैसे हमारा रेनकोट होता है ना वैसे, ड्राई होती है प्लस हार्ड होती है, और साथ ही ये होती है हमारी कैरेटिन से कवर्ड, इट इज कवर्ड विद द कैरेटिन, ठीक है जी। चलो जी आगे देख लो थोड़ा सा आगे, ये हमारा ये है कि अगर आपसे इन केस पूछ लिया गया एग्जाम में कि हमने, जैसे मैंने तो आपसे पूछा कि रेप्टाइल्स और इसमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, बट आपसे तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में डिफरेंस क्या होता है। कैरेटिन बच्चे एक तरीके का आप वो समझोगे ना कि कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोनेंट होता है, जैसे हमारी जो स्किन होती है ना। हाँ बच्चे अभी क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा, मैं अपने फोन में भी देख लेती हूँ साथ ही साथ। नहीं बेटा जी सारा क्लियर है, ठीक है, सब क्लियर है। जो कि क्या बोलते हैं ना, जैसे आपको पता है ना प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या होती है, जो वो होती है क्या बोलते हैं, वॉल पड़ी होती है, जो सेल वॉल बनी होती है वो अलग अलग चीजों की बनी होती है, तो उनकी जो सेल वॉल बनी है ना वो अलग चीज की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं कैरेटिन। चलिए जी ये क्या है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। जब आपसे ये लीजिए और बड़ा कर देते हैं, इससे बड़ा नहीं कर सकती मैं अब, बस इतना इज इनफ, इतना ही तुम्हारी स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है, बिकॉज अगर मेरे में विजिबल है तो तुम्हारे में भी। क्या है रेप्टाइल्स का, देखो रेप्टाइल्स की कहानी क्या चल रही है कि रेप्टाइल्स कैन लिव, ये कैसे पानी से दूर रह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी वही तो, तेहरा जी कोई सुन ही नहीं रहा है, या अपनी स्क्रीन बड़ी कर रहे हो भाई घुमा के, मैडम को खामखा परेशान कर रहे हो। रेप्टाइल्स कैसे हैं, दैट कैन लिव अवे फ्रॉम द वॉटर, कहाँ पे, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी लैपटॉप है मेरा ये, चलो अच्छा जी चलो जी। एम्फीबियंस जो है उनको क्या वाटर और लैंड जो है दोनों चाहिए। चलिए जी फिर क्या है, एडल्ट स्टेज की अगर हम इनकी बात करें तो इनकी एडल्ट स्टेज कैसे है, वही जो अभी हमने बात की कि ये एग बनाते हैं, उसके बाद वो स्मॉल एडल्ट में आते हैं। फिर एम्फीबियंस क्या है, ये आपको मोस्टली क्या है, आपको जो दिखेंगे अभी, जैसे किसी ने एक बच्चे ने आंसर दिया था कि लार्वा स्टेज को शो करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक जो स्टेज है लार्वा स्टेज उसको भी शो करेंगे। फिर क्या जाता है कि ये बोला जाता था कि जो हमारी रेप्टाइल्स हैं दे इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस आफ्टर द एवोल्यूशन, बट बाद में बहुत सारी रिसर्च हुई तो इसमें ये बताया गया कि दे हैव इवॉल्व बिफोर रेप्टाइल्स, जो आपके एम्फीबियंस हैं वो हमारे रेप्टाइल्स से पहले आए हैं, ठीक है, एम्फीबियंस पहले आए हैं और फिर आए हैं हमारे रेप्टाइल्स। चलिए जी फिर क्या है, इनका जो ब्रेन है इसका जो साइज है वो ज्यादा है, और इनका जो ब्रेन है दे आर ऑफ स्मॉलर साइज। फिर देखिए क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए जी क्या है इनका, ये एग्स इनके कैसे हैं बच्चे जी, इनके एग्स हार्ड हैं और इनके सॉफ्ट होते हैं। स्किन कैसी है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राई स्किन होते हैं, और इनकी कैसी है, स्लिमी होती है। इकरा जी कहाँ है, मैथ्स का पेपर है क्या तुम्हारा, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये रेप्टाइल्स है और ये एम्फीबियंस है, ठीक है। चलो जी फिर इनमें क्या क्लॉज होते हैं, इनमें क्लॉज नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये यूजुअली ब्रीड करते हैं लैंड पे और ये करते हैं वाटर पे, और इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में इनके बारे में जाने की जरूरत नहीं। अब एक अच्छा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे जी कि ऑर्थोपोडा और जो आपके हेमी कॉर्डेटा है उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, फटाफट से, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से। क्लॉज मतलब बेटा पंजे, फटाफट से पहले आप मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कि ऑर्थ्रोपोडा या और हेमीकॉर्डेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है। बिल्कुल सही, ऑर्थोपोडा का तो मुझे पता था कि एम्प्टी मैक्सिमम बच्चे बता देंगे, मॉल्फिजन ट्यूब्यूल, और हेमीकॉर्डेटा का फटाफट फटाफट नेहा जी वाटर, ये क्या पूछा गया है आपसे, हेमीकॉर्डेटा का कौन बता रहा है, बिल्कुल सही प्रोबोसिस ग्लैंड्स, बिल्कुल 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 सही, ठीक है। चलिए जी आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस स्टैंड करता है कि विच ऑर्गन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑर्थ्रोपोडा और हेमीकॉर्डेटा में। तो अगर आपने जो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, हाँ जी हाँ जी पता चल गया मुझे कि सबको बहुत अच्छे से पता है या इसका आंसर, तो अब देख लो जो ये वाला पार्ट होता है ना बच्चे, आपको पता होगा कि 100 to 150 जो है मालफीजन टिब्यूल जो है वहां पे प्रेजेंट होती है कॉकरोच में, ठीक है। आई गेस आप सबने पढ़ा होगा अगर कॉकरोच वाला, क्योंकि फिलहाल तो आप कह रहे हो कॉकरोच वाला आ नहीं रहे, बट फिर भी ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाता है हेमीकॉर्डेट्स में,
ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं मॉर्फोजन टिप्यूल्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर आ जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि किसका है, हेमिकॉर्डेटा का, क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कहाँ पे है ये रहे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाइए, अगर ऐसा हल्का सा तुम डायग्राम बना के आ जाओगे ना तो टीचर विल बी मोर देन हैप्पी। चलिए जी, फिर क्या आ जाता है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। फटाफट से इसका भी बताइए मुझे, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, कोई भी एक बच्चा पहला का बता दो। फटाफट फटाफट बताइए, अभी तुम लोगों ने इस पे लिखा हुआ देख लिया बस इसीलिए। चलिए जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा चीजें हैं पढ़ने को। देखो, कोल्ड ब्लडेड को बच्चे हम क्या कहते हैं, जस्ट वन सेकेंड बेटा, हाँ मुझे बस अपने इस फोन से थोड़ा सा लॉग इन करना है, बिकॉज जो इंटरनेट है मेरे फोन का वो एंड हो गया है, जस्ट मुझे घर के वाईफाई से कनेक्ट करना है, एक सेकेंड जस्ट। हाँ चलिए जी, एल्स मैं आपके जो है, चलिए चलिए चलिए, मुझे पता चल गया कि बहुत सारे बच्चों को इसका जो करेक्ट आंसर था वो पता है। अब देख लो यहाँ पे, पॉइक्यूलोथर्म्स या होमियोथर्मिक हम कहते हैं इनको, क्या आता है, पो किसी बच्चे ने सुनना ही नहीं है। चलो देखो, पॉइक्यूलोथर्म्स क्या होते हैं बच्चे, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अगर बाहर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है तो वो खुद का टेम्परेचर भी क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। क्या है मतलब है ये, कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका भी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और अगर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म भी अपना जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यही चीज जो है, यही डेफिनेशन हमने लिखी हुई, द एनिमल्स विच कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे ही सब कुछ। ठीक है ना, ओके, बिकॉज मेरे इसमें कनेक्शन दिखा नहीं रहा है, कनेक्शन फेल हो रहा है, जस्ट एक सेकेंड के लिए बच्चा वेट कर लीजिए, बिकॉज फोन पे ना चलने से ना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, जस्ट वन सेकेंड। हाँ बेटा विवेक, ये क्या बोलते हैं, हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, चलिए जी आ गया यहाँ पे, चलिए, बिकॉज वरना मुझे ना पता नहीं चल पाता अगर कि आप लोग का नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया है कहीं गलती से तो। चलो जी, बच्चे विवेक जी, पता नहीं आपने किससे पढ़ा था बट ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मेरी क्लास, मेरे अकॉर्डिंग जितने बच्चों को मैंने अपना ये क्या बोलते हैं पढ़ाया था उसमें जो आपके जनरल वाले जो टर्म्स होने थे ना क्लियर, बहुत ही। हाँ जी प्रियंका जी, सब बताया जाएगा बस थोड़ा सा सब्र रखिए। पॉइक्यूलोथर्मिक्स हमारी क्या है, एनिमल्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं पॉइक्यूलोथर्मिक्स। और होमियोथर्मिक्स हमारे बच्चे वो एनिमल्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, एनिमल्स विच मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे आपको पता है कि ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस या कह लो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। ठीक है, हाँ जी आर्यन जी, आपको मिल जाएगी, बस आप लास्ट में जाते जाते मुझे अपना ये जो है क्या अपना ग्रुप और ये सब जो चीजें हैं वो बता दिएगा। चलिए जी, फिर क्या है, इसीलिए हम ह्यूमंस को क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और जो बाकी एनिमल्स जो कि अपने टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्पल फिश, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स एंड फिर दूसरे हैं हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स, ये आ जाते हैं हमारे और भी थोड़ी सी जो क्लियर तुम्हें चीजें जो है और क्लियर कर देंगे। अभी तक क्या था, आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या ना कि जब आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ना तो टीचर एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट आप 5 से 6 पॉइंट्स तो लिखो। ठीक है, तुमने डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल लिख दिए और उसके जो दूसरे नाम है वो लिख दिए,
ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या लिखा कि पॉइक्लोथर्मिक्स को हम क्लोन ब्लडेड भी कहते हैं, ये क्या फिशेस और ये इसमें आते हैं, ये तुमने तीन लिख दिए, बट टीचर चाहती कि तुम थोड़ी सी चीजें और भी एडिशनल लिखो, तो वही बच्चा क्या जाता है ना, स्टार बन जाता है टीचर्स के लिए। जैसे आप कोल्ड ब्लडेड में लिखोगे कि मोस्टली, सब में नहीं मैं कह रही हूँ, मोस्टली दे हैव क्या, टू और थ्री चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है, और बाकी जो ये हमारे वार्म ब्लडेड वाले होते हैं जिसमें हब आते हैं उसपे क्या है, फोर चैम्बर्ड हर्ट है। कैसा है, फोर चैम्बर्ड हर्ट है। फिर आपने एग्जाम्पल तो पहले लिख लिया था, आप आ जाता है बेटा कि ये जो इनको एनर्जी वगैरह मिल रही है ना, वो उसकी कहानी क्या है कि एनिमल्स ऑलवेज गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू रेगुलेट बॉडी, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते रहते हैं, क्या करते हैं बच्चे, आप ये बात समझो, ये कोशिश करते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, हीट मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे, किस फॉर्म में मिलती है, हीट की फॉर्म में। तभी तुमने देखा होगा ना, जिसको मैंने इसलिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है जिसका नाम है सन बास्किंग, क्या कहते हैं उसे हम, सन बास्किंग। देखा होगा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी, अभी कौन सी वो मोगली वाली कोई मूवी आई थी ना, जंगल जंगल वाली कोई, उसमें आपको दिखाया होगा कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के किनारे पे आके ना बाहर क्या बोलते हैं वहां पे निकले हुए होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, धूप ले रहे होते हैं। क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस बॉडी में जो अपनी एनर्जी है वो उसी के फॉर्म से लेते हैं, ठीक है, दे ऑब्टेन हीट थ्रू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, बाहर के एनवायरमेंट से वो क्या करते हैं, हीट लेते हैं। बल्कि हमें कहाँ से हीट मिलती है, हमें हीट मिलती है फूड के कंजप्शन से, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड के कंजम्पशन से, बाय कंजम्पशन ऑफ फूड दे कैन प्रोड्यूस हीट विद इन देयर बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमें जो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, जो हम फूड खाते हैं उससे मिलती है, बल्कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको बाहर मतलब कि सूरज से, सन से एनर्जी जो ये हीट है वो मिलती है, ठीक है, और फिर वो उसी को यूज करते हैं अपने एनर्जी के लिए। और आप इसको कैसे याद रखोगे कि क्रोकोडाइल्स जो है मैम ने बताया था कि वो क्या करते हैं, सन बास्किंग करते हैं, क्या करते हैं, सन बास्किंग, धूप में आके अपने आप को सुखाते हैं, ठीक है, सुखाते नहीं है मतलब कि अपने आप को चार्ज करते हैं जैसे कह सकते हो एक तरीके से। फिर क्या जाता है, मेटाबॉलिक रेट्स, मेटाबॉलिक रेट्स ऑलवेज चेंज विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, इनका जो मेटाबॉलिक रेट है ना वो क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट के साथ साथ। फिर आ जाता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब आ जाइए एक नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम क्या है, मेटाजेनेसिस। बताइए जी क्या होता है मेटाजेनेसिस, फटाफट से बताइए, अभी हमारा वो एक और चैप्टर भी रह गया है, जल्दी 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 बताइए। बिल्कुल सही, पहला जो भी बच्चा आंसर देगा मैं उसके बाद आपको जो स्लाइड्स है वो प्रोड्यूस दिखा दूंगी। इसका क्या है, मेटाजेनेसिस क्या है, बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर दिया था, मैं नाम थोड़ा सा भूल गई, कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है किसमें, देखो कैसे लिखोगे पॉइंट्स में, पहला पॉइंट लिखोगे कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है किसमें, ऑफ असेक्सुअल विद सेक्सुअल जनरेशन, एक इसमें कौन सी है असेक्सुअल और दूसरी कौन सी है सेक्सुअल जनरेशन, उनका क्या है चेंजेस हो रहा है, जैसे हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक वाला हम लोग पढ़ते थे तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें हो रहा है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, बिल्कुल सही कहा है पायल ने, पॉलिप्स और मेडुसा के बीच में। अब आपको याद कैसे करना है, सिर्फ एक याद करना है, मैम मुझे चैप्टर फोर की वीडियो चाहिए रिविजन के लिए। हाँ जी निकिता जी, लास्ट तक रुक जाइए प्लीज, अपना नाम ग्रुप और वो सब भिजवा दीजिएगा, आपको भिजवा दी जाएगी, कि जो आपको कैसे याद करना है, आप लिखोगे ऐसे पीएम असेक्सुअली, ठीक है, अंजलि मैम की क्लास कब होती है, एएम में नहीं होती है, पीएम में होती है, बस इतना याद रखना, और कौन, अंजलि मैम की क्लास, अंजलि मैम की क्लास हम लोग 9 PM पे अटेंड करते हैं, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे कि यहाँ पे ये हो गया असेक्सुअली, ए फॉर असेक्सुअली, और पी मतलब क्या हुआ, हाँ जी पायल, डॉक्टर अंजलि मैम, ये पी कैसे हुआ हमारा, ये हुआ हमारा पॉलिप्स, क्या प्रोड्यूस करेंगे हमारे, मेड्यूसा को। ये वर्ड किसी को दिक्कत हो रही है याद करने में, बिल्कुल 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 इजी तरीका, इससे इजी तरीका आपको नहीं मिल सकता। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं कोड्स नहीं देती हूँ, बट थोड़ा सा तरीका आसान कर देती हूँ, आपको बस याद रखना है पीएम, अगर पीएम मेरा वाला नहीं याद हो रहा तो प्रधानमंत्री जो है ना, पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उसके आगे लिख दो असेक्सुअली, ठीक है। असेक्सुअली वाला का जो कहानी है वो कैसी चल रही है इनकी, कि पॉलिप्स जो है वो प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को कैसे, असेक्सुअली, और उल्टा कहानी किसकी हो जाएगी, कि अगर मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा हमारे पॉलिप्स को तो वो करेगा सेक्सुअली।
ठीक है, वरना आपको एक और तरीका भी, चलो तुम लोग से बात करते करते ही एक तरीका याद आ गया इसको याद लिखने का। लिखने का तरीका तुम कैसे लिखना ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। पीएम लिख लिया, पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, यहां पे लिख देना असेक्सुअली। ये एरो बना दिया तुमने, इसी से समझ जाना कि पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है। फिर लिखना मेड्यूसा से पॉलिप्स बनेगा, तो कैसे बनेगा सेक्सुअली। बस ये बना के आ जाओगे। देखो बात करते करते हमें याद एक नया तरीका पता चल गया, मेरे को अभी तक नहीं आया था ये तरीका कभी। ठीक है, इतना बना लोगे और ये तुम, यू आर डन विद दैट। मैम मैंने भी ऐसे ही याद किया था, पीएमए एंड पीएमएस। नहीं, इतना भी पीएमए या पीएमएस करने की जरूरत नहीं, बस पीएम याद रखना है बीच में, और याद करना है ऊपर पी से एम में क्या है असेक्सुअली, और एम से पी में क्या है सेक्सुअली। ठीक है, बस इतना मेरे हिसाब से सब कर लेंगे। चलो जी, अब ये अच्छा एक चीज और रहेगी इसमें, आपको क्या लिखना है कि ये शो कौन करता है। तो ये हमारे स्निडेरियन जो ग्रुप है वो शो करते हैं, और इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं ओबेलिया। बच्चे जी थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, बीच में अभी क्वेश्चंस मत पूछो, लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो जी, अब आ जाता है हमारा कि हमारी जो ये एव्स ग्रुप है ना, मतलब कि हमारे जो ये बर्ड्स हैं वो उड़ कैसे पाती हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते, अगर हमारे पंख लगा दिए जाए तो हम क्यों नहीं उड़ पाते। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है ना बच्चे, वो होता है इनकी हड्डियों का, कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो पता है कैसी होती है, सॉलिड। किसकी, मैन की। ठीक है, मैन क्या, वुमेन्स की भी। और जो हमारी बर्ड्स होते हैं उनकी कैसी होती है, हॉलो। बिल्कुल सही सुमन जी। ठीक है, तो ये आप सबसे पहला पॉइंट लिख के आएंगे कि जो लाइट बोन्स होती हैं विद इंटरनल स्पेस फिल्ड विद एयर। इंटरनल स्पेस किससे भरी हुई है, एयर से भरी हुई है। दीज बोन्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें आप, न्यूमेटिक बोन्स, खोखली बोन्स जिन्हें कहते हैं। हाँ जी मानसी, उनकी स्किन भी ड्राई होती है। फिर देखो दूसरा पॉइंट, अब देख लो क्या है कि देयर एंटीरियर लिम्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विंग्स। एंटीरियर लिम्स मतलब क्या, बिल्कुल सही। देखो अभी निशा जी ने जो आंसर दिया, मैं जो आंसर बोलने आई थी वो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जैसे जो हमारे बॉडी में हाथ होते हैं ना, इतने गंदे हाथ तो वैसे किसी के होते नहीं है, जो ये हाथ होते हैं ना, ये हाथ बर्ड के केस में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में, किसमें, फर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो ये आपके एंटीरियर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये किससे अटैच होता है बच्चे जी, पेक्टोरल मस्कुलेचर से। ये अगर आप वर्ड नहीं भी लिखे होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये आप लिख के आना कि द एंटीरियर लिम्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विंग्स। जो एंटीरियर लिम्स है वो हमारी विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है जी, फिर देखिए क्या है, नो कोलोन और ब्लैडर। कोई तरीके का कोई कोलोन नहीं, कोई ब्लैडर नहीं, जिसमें कि वो फीसेज या यूरिन को एक्यूमुलेट कर सके, मतलब कि रख नहीं पा सकते, उनको स्टोर नहीं कर सकती है, तुरंत ही बाहर। ठीक है, और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि वो एक्सक्रीट क्या करती है, यूरिक एसिड्स को, जिसमें क्या हो चाहिए होता है, विच रिक्वायर्स लीस्ट वाटर, जिसको कम से कम पानी चाहिए होता है और कम ही स्टोरेज की प्लेस भी चाहिए होती है। एक जो आती चीज आ जाती है वो क्या, कि एरोडायनामिक बॉडी होती है इनकी। कैसी, एरोडायनामिक मतलब कि एयर के जिसके अंदर बहुत आराम से फिल हो सके। कैसे, क्योंकि जो उनका लंग्स होता है ना उसमें स्पेशलाइज्ड एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। फिर आपसे जो अगला क्वेश्चन है, कितना रह गया, ये है हमारा सीलम वाला। अच्छा, आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है एनिमल किंगडम के लिए, सो दैट मैं चाहती हूँ ना कि अगर आप में से ज्यादातर बच्चे मेरी क्लास वाले नहीं है तो मैं आपको सीलम जो है अपनी वाली स्लाइड से बता दूं। नहीं, जिसने नहीं किए हैं वो मुझे एक बार नो लिख के भेज दो, जिन्होंने नहीं किए हैं नो। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, नो लिखा है। तो बस मैं एक मिनट के लिए ना बैक थोड़ा सा जाके आपको मैं चाहती हूँ ना कि उस वाले से ही हम लोग कर लें, तो ये तुम लोग के लिए भी एक हेल्प हो जाएगी बहुत ही अच्छी वाली, जैसे कहते हैं कि हम लोगों ने जो सीलम किया था ना बच्चे जी, वो बहुत अच्छे से किया था। चलो जी, एक बार फटाफट से यहाँ देखो, मतलब तुम लोग को भले ही लग रहा होगा कि हाय राम मैम ये आप क्या दिखा रही हो, इतना 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 कुचुर पुचुर आपने लिखा हुआ है इसमें। लो जी थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए साफ कर देती हूँ। ठीक है, चलो जी, ठीक है, अब साफ सुथरा हो गया। चलो जी चलो जी चलो जी, ठीक, अब देखो बट क्या है, लिखूंगी अभी मैं फिर से उतना ही सारा। देखो ये आप समझ जाओ कि ये तो तुम्हारी जो स्किन है ना बच्चे, उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, ये जो पहली कोटिंग, बाहर की नहीं अंदर वाली स्किन की बात कर रहे हैं, और तुम्हारे मतलब यहाँ की नहीं, हम सपोज कर लो कि हम बात कर रहे हैं अपनी कौन सी, कमर वाले पोर्शन की। ठीक है, ये हमारा क्या, कमर वाला पोर्शन है, जिसके पास में तुमको पता है क्या होता है ना, हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारा
लिवर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, जो हमारी स्किन है, ये हमारी क्या है, स्किन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा बॉडी वॉल। क्या कहते हैं बेटा, अपर्णा वहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी वॉल। क्या है ये, हमारी बॉडी की वॉल है। और अंदर जो ये लीवर प्रेजेंट है ना, क्या है हमारा ये अंदर जो लीवर प्रेजेंट है वो, उसको हम कहते हैं बच्चे जी गट वॉल। क्या कहते हैं इसकी वॉल को, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं बेटा गट वॉल, ठीक है जी। अब देखो, अब तुम लोग मुझे पहले एक बात बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है कि जो ये हमारा लीवर है और जो ये हमारी स्किन है वो क्या आपस में ऐसे चिपके हुए थे? गट मतलब बेटा कोई भी ऑर्गन की वॉल्व, कोई भी जो बाहर का और कोई भी अंदर का जो ऑर्गन है ना उसकी बाहर की लेयर को कहते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी की बाहर की स्किन है उससे हमारा लीवर है उसमें थोड़ा सा गैप है, तुम लोग को क्या लगता है? तो बेटा ना ही कहानी ऐसी है, हां जी तनु जी, और ना ही ऐसी है, बीच में स्पेस तो है बट वो स्पेस भी क्या है, फिल्ड है। किस चीज से फिल्ड है बेटा? तो वो हमारा भरा हुआ है पेरिटोनियल लेयर से। एक कैसा, एक फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, पेरिटोनियल लेयर। क्या है, पेरिटोनियल लेयर कह लो या फिर उसको कह लो आप कैविटी, ठीक है जी। अब ये पेरिटोनियल लेयर है क्या, यही पेरिटोनियल लेयर बच्चे हमारी सीलम है। क्या है ये, एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसे हम कहते हैं बॉडी की वॉल में, और क्या कर रही है बेटा, ये एक स्पेस प्रोवाइड कर रही है किसके बीच में, बॉडी की वॉल और गट वॉल के बीच में। और दूसरा क्या कर रही है साथ में, ये सीलम जो है वो हमारा क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है बॉडी वॉल को गट वॉल से, क्या कर रहा है, अलग अलग भी रख रहा है और एक जगह भी प्रोवाइड कर रहा है। अब इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा, तो इनका काम है कि एकोमोडेट करना वेस्ट्रल ऑर्गन्स को। एकोमोडेट का मतलब होता है, हाँ जी निशा बिल्कुल सही कह रहे हो, एकोमोडेट का मतलब होता है कि उनको प्रॉपर जगह प्रोवाइड करना, एकोमोडेशन समझते हो ना, कि रहने की जगह। तो विसरल ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं, हमारे जो नाजुक नाजुक ऑर्गन बहुत ही जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। जैसे हमारा क्या, हर्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ये सब हमारी क्या है, विसरल ऑर्गन्स है। फिर क्या जाता है कि ये कैसे होते हैं बच्चे हमारे, एज अ शॉक एब्जॉर्वर काम करते हैं। सपोज कर लो कभी किसी को कोई धक्का बक्का लग जाता है तो कभी क्या ऐसा होता है कि ऑर्गन्स हमारे डिस्प्लेस हो गए, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या करते हैं हमारे शॉक को एब्जॉर्व कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि जो ये बीच का जो इनका फ्लूइड है ना वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, क्या कर देता है, जो रगड़ होती है ना उसकी, उसको कम कर देता है। कैसे, क्योंकि उस वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को क्या कर देता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अब आ जाओ जो मेन कहानी है, जो तुम लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सीलम है क्या। तो बेटा सीलम जो है ना, सबसे पहली बात तो समझ लो कि ये मीजोडर्म से निकला हुआ है। किससे बना हुआ है, जो हम लोगों ने जर्म लेयर पढ़ी थी, तीन तरफ की जर्म लेयर्स होती है उसमें से मीजोडर्म से ये बना हुआ है। फिर क्या हो जाता है कि सीलम जो है ना ये क्या है बेटा, पेरिटोनियल लेयर है। अगर पेरिटोनियल लेयर प्रेजेंट है तो वो हमारी यू सीलोमेट है, या जिसे हम कहते हैं ट्रू सीलोमेट है। और अगर जो हमारी पेरिटोनियल लेयर एब्सेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सीलम है, ठीक है। सीलम का मतलब ही सीधा सीधा समझ लो कि पेरिटोनियल लेयर की प्रेजेंस, ठीक है। अब देखो तो फिर मैम बाकी क्या है, बाकी क्या है सुन लो, असीलोमेट का मतलब क्या है, असीलोमेट का मतलब है कि सीलम एब्सेंट है। कहने का मतलब क्या, कि पेरिटोनियल लेयर नहीं है, उसकी जगह कुछ और है। उसकी जगह क्या है, उसकी जगह भरा हुआ है बेटा मैट्रिक्स। क्या भरा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स भरे हुए हैं, ठीक है, हाँ जी, नो सीलम, पैरेन्काइमेटस सेल भरे हुए हैं। किससे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पोरीफेरा और फ्लैटवर्म की कहानी है। फिर आ जाता है बेटा हमारा सीडोसीलोमेट। सीडोसीलोमेट्स का मतलब होता है फॉल्स सीलम, कि झूठा सीलम। इसका मतलब फिर से वही हुआ कि फॉल्स सीलम कह रहा है तो इसका मतलब है पेरिटोनियल लेयर जो है वो एब्सेंट होगी फिर से। तो उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, उसकी जगह प्रेजेंट है हमारी ब्लास्टोसील। देखो जी सारे के सारे बच्चे बता रहे हैं स्कैटर्ड एस पॉचेस, ठीक है, क्या ब्लास्टोसील नाम की जो चीज है वो प्रेजेंट है और पेरिटोनियल लेयर एब्सेंट है। और यही हमारा क्या, राउंड वॉर्म का इसका एग्जांपल आ जाता है। चलो जी बैक टू आर स्लाइड्स, हमारी कौन सी स्लाइड थी, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, आई गेस लास्ट वाले पे पहुंच गए थे ना। चलो जी, और अब यहाँ पे आ जाओ हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हाँ जी हाँ जी, पाउचेस से प्रेजेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। और मेरे अकॉर्डिंग सब ने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स कैसे याद किए होंगे, कि जिन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है दे आर आर कॉर्डेट्स, और जिन में हमारे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो हमारे हो जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। अब आगे पढ़ लो क्या है, आप सबने ये वाला डायग्राम जो होगा सबने देखा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। कैसा है ये डायग्राम हमारा, एक सिंपल सा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। चलो फिर से तुम्हारे लिए बना देते हैं, कैसे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है,
इसके यहाँ पे आपने एक क्या बनाई है, क्या बोलोगे इसे, फटाफट से बताओ। पहली जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको, जो वो होती है उसको क्या कहते हैं आप लोग, कौन बताएगा? मेरी क्लास वाले बच्चे तो अगर नहीं बताओगे तो पिटाई होने वाली है आपकी। नो, नर्व कॉर्ड। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल 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 सही। ठीक है, क्या होता है नर्व कॉर्ड, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड के, सबसे ऊपर आती है बेटा हमारी नर्व कॉर्ड। बिल्कुल सही कहा सोबिया ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना बेटा, उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। फिर जो ये आपको छोटे छोटे ये येलो येलो पैचेस दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या, देखो नाज जी ने बिल्कुल सही कहा, गिल स्लिट्स। और ये जो लास्ट वाली है इसे हम कहते हैं पोस्ट एनाल टेल। ठीक है, और यही आपके क्या है बेटा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस है। इतना अगर आपने डायग्राम बना के आ गए ना, बात खत्म। उससे ज्यादा तुम्हारी मैम को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इतना तो तुम खुद भी लिख लोगे। उसके बाद सबसे पहले जो लिख के आओगे कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ना, वो हमारे लेस इवॉल्व एनिमल्स हैं। कैसे हैं? लेस इवॉल्व एनिमल्स हैं एंड आर ऑन लोअर लेवल ऑफ एवोल्यूशन। कहाँ प्रेजेंट है? लोअर लेवल ऑफ एवोल्यूशन में। उसके उल्टे बिल्कुल हमारे कॉर्डेट्स क्या है, मोर इवॉल्व है, ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व है, और वो हमारे हाइयर लेवल ऑफ एवोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखो जो अभी तुमको बताया कि नोटोकॉर्ड यहाँ पे एब्सेंट होती है, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है। क्या कह रहे हो बच्चे? एक डायग्राम, मैंने आपका जो मैसेज है नहीं देख पाया, इतने सारे बच्चे एक बार में मैसेज करते हैं ना, तो मैसेज में देख नहीं पाती हूँ। मैम एक डायग्राम्स भी बता देना कौन कौन से प्रिपेयर करने। हाँ जी पायल, मैं एक प्रॉपर लिस्ट ही आपको कल के कल प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी बेटा। चलो फिर क्या है हमारे, हमने क्या पढ़ा अभी, गिल स्लिट्स जो है वो हमारे किस में प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स में, और यहाँ पे हमारी गिल स्लिट्स जो है एब्सेंट है। बस इतना से लिख के आना। नर्व कॉर्ड कहाँ पे कैसी है, ये जो नर्व कॉर्ड हमने कॉर्डेट से बनाई कैसी है, एक नर्व कॉर्ड है, कैसी है, सिंगल है, और वो भी कैसी होगी, एक है प्लस हॉलो है, प्लस कैसी है, हॉलो मतलब की खोखली। ठीक है, और इनमें कैसी है, डबल होती है और साथ ही साथ सॉलिड होती है। फिर देखो क्या कहानी है कि नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, यही आपको चीज जो है ना एग्जाम में याद रखनी है। आपको पता है कि जो हमारा ये नाखून वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं डॉर्सल, और जो पीछे जो हमारा हथेली वाला हिस्सा होता है जिसमें हमारी रेखाएं होती है वो होता है वेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ ऊपर साइड में आप देख रहे हो कि नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर। ठीक है, डॉर्सल साइड में कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये है हमारा डॉर्सल साइड, और ये नीचे वाला जो हमारा क्या होता है, वेंट्रल साइड। बच्चे जी मैंने अभी आपका मैसेज देखा नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में देखती हूँ, आप एक बार लास्ट में मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, क्या है नीचे साइड क्या होता है हमारा, वेंट्रल साइड। हर्ट होगा, अगर नर्व कॉर्ड हमारी डॉर्सल में है तो हर्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपके एनिमल किंगडम का, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, और 5-10 मिनट ही उस चैप्टर को देंगे, उसके बाद मैं आपके सीधे सीधे डाउट्स लूंगी। ठीक है, चलो जी क्या कहानी है, कॉन्ड्रिकाइथीज और ऑस्टियोकाइथीज के बारे में आपसे यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की जाएंगी। क्या है कॉन्ड्रिकाइथीज और ऑस्टियोकाइथीज, तो ये है देखो कि कॉन्ड्रिकाइथीज जो होते हैं दे पजेस अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन। क्या होता है इसमें, कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और इनमें क्या, सो सॉरी, ऑस्टियोकाइथीज क्या होते हैं, हाँ जी शार्क, इसमें क्या है बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है। कैसा, बोनी स्केलेटन है। माउथ कहाँ लोकेटेड है, वेंट्रल साइड में, कहाँ पे, नीचे साइड में, देखा होगा आपने, देखो अभी बच्चों ने एग्जाम्पल भी दे दिया। और ये इनके में कहाँ प्रेजेंट होता है ऑस्टियोकाइथीज में, टर्मिनल पे, ऊपर साइड में। फिर क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बिना ऑपरक्यूलम के, और यहाँ पे गिल स्लिट्स आर कवर्ड विद द ऑपरक्यूलम। मेरे पास ऑपरक्यूलम का डायग्राम एक्चुअली जल्दी जल्दी में मैंने मेंशन नहीं किया, बट आप इसको बहुत इजीली कहीं से भी देख सकते हो, ऑपरक्यूलम तुम्हारे एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है इनमें कॉन्ड्रिकाइथीज में, और इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन है बच्चा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा एक्सटर्नल, मतलब कि ये क्या करते होंगे, एग्स को ले करते होंगे। फिर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है जिसे हम कहते हैं स्टार्ट भी कहते हैं, कि कॉन्ड्रिकाइथीज में प्लैकॉइड होते हैं। आप कैसे याद करना कि जो सी वाला है ना उसमें सी वाला प्रेजेंट नहीं है, कॉन्ड्रिकाइथीज में प्लैकॉइड्स हैं, और ऑस्टियोकाइथीज में हमारे साइक्लॉइड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बच्चे जी इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा क्या है बच्चे, एक टाइप के स्केल्स का अरेंजमेंट है ये। नेक्स्ट चैप्टर फटाफट से देख लो,
20 से 30 हैं, बट आई गेस अगर हमारे सारे नहीं हो पाएंगे ना, तो एटलीस्ट मैं तुम्हें क्वेश्चंस तो दे ही दूंगी, ठीक है? चलो जी, पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वो क्या है हमारा? फाइलोटेक्सी. क्या है फाइलोटेक्सी? देखिए जी, फाइलोटेक्सी है क्या, पहले समझ लो क्या है फाइलोटेक्सी, कि लीव्स का अरेंजमेंट, किस पे? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस. किस पे? स्टेम और ब्रांचेस पे, ठीक है? ये पॉइंट लिखना इज इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? स्टेम और ब्रांचेस पे उनका अरेंजमेंट, ठीक है? फिर देखो क्या आ जाता है. अब ये जो अरेंजमेंट है ना, कैसा भी हो सकता है, रुको जी, इसको भी तुमको क्या बना के दिखा देते हैं, क्योंकि बना के दिखाने में थोड़ा सा तुम्हें क्या, थोड़ा सा और चीजें समझ आएंगी. देखो, आपको पता है कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो ये हमारी जो एक नोड है, उसमें से अगर हमारे एक साइड पे दो पत्तियां आ रही हैं, एक नोड पे दो पत्तियां आ रही हैं, तो क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं ऑपोजिट, ठीक है? क्या कहते हैं बच्चा जी इसे? ऑपोजिट, ठीक है? फिर अगर हमारी एक ही उस पे क्या आ रही है, एक नोड पे एक ही लीफ आ रही है, एक नोड पे एक ही लीफ, तो यहाँ पे एक नोड पे दो लीफ चल रही थी, राइट? यहाँ पे एक नोड पे एक ही लीफ चल रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या? ऑल्टरनेट. और फिर आती है वॉल्ट, कि एक सिंगल नोड पे कितनी, मोर देन टू लीव्स, नॉट कि कितनी, बस आप ये बता दोगे कि दो से ज्यादा लीव्स होते हैं, ठीक है जी? तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्ट कहते हैं. चलो जी, नोड भी एक ओरिजिन होता है जहां से हमारी जो पत्तियां है ना वो निकलती हैं, नोड्स उसको कहते हैं. फिर जो आगे चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है? चलो जी, इसको थोड़ा सा जूम इन करके हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करेंगे. फाइलोटेक्सी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. क्या है बेटा जी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है? पहला आता है ऑल्टरनेट, अभी जो मैंने आपको बताया ड्रॉ करके, वही चीज यहाँ पे भी है कि सिंगल लीफ अराइज होती है हर एक नोड से, ठीक है? और ये कैसे है, लेटरली चलते रहते हैं. एग्जाम्पल में क्या, मैंगो तुम्हारी मैम का फेवरेट फ्रूट, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सब में क्या है हमारी ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी चल रही है. फिर आती है कहानी ऑपोजिट फाइलोटेक्सी की. ऑपोजिट फाइलोटेक्सी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम रूट एंड लीव्स हो गया है क्या? पीडीएफ का अभी वो हुआ नहीं है, बट मेरे पास है कंटेंट, मैं तुमको क्या है प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? मॉडिफिकेशन वाले चैप्टर का भी. चलो जी, फिर आता है हमारा ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, उसमें क्या ना, मतलब ये तुम शायद अगर उसमें नहीं लिख के आओगे ना अपने एग्जाम्स में, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या ये जो है ना नीट के लेवल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ये कैसे होते हैं, दो आ जाते हैं, डेकसेट और सुपरपोज. डेकसेट का मतलब होता है कि एक, जैसे सपोज करो ना, ये है हमारी नोड है, यहाँ से हमारी क्या स्टेम जा रही है, तो ये तुम्हारी मैम की चूड़ी है, यहाँ से पूरी हमारी स्टेम जाती है, एक लीफ इधर है और एक लीफ इधर है ये, ठीक है? दूसरे उसमें आप कैसे करोगे, दूसरे उसमें जो आपको दिखेगा ना बच्चे जी, जो मैं समझा रही हूँ पहले वो देखो, देखो एक लीफ इसमें आपके इस साइड आ गई और एक जो है इस साइड आ जा रही है, पर जब आप दूसरे में जाओगे तो दूसरे में क्या ये 90 डिग्री बना रहेगी, एक लीफ आपकी इस साइड निकलेगी और एक लीफ इस साइड. कहने का मतलब है आपका कि कैसे, ये देखो ये जो लीफ है इस साइड में पहले ये इधर वाले में दिखी, ठीक है? और फिर आप जब इसको बनाओगे ना तो कैसे ये नेक्स्ट वाले में जब आएगी ना, तो ये सामने से आएगी, इधर से और इधर से, ठीक है? ये होती है डेकासेट. और सुपर पोज होते हैं कि एक के ऊपर एक जैसे ये चलती है, ठीक है, नॉर्मली. फिर आ जाता है वॉल्ड में. वॉल्ड में अभी जस्ट आपको बताया क्या, कि मोर देन टू लीव्स जो है आपकी प्रेजेंट होती है. चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. अब आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है आपका, बल्ली फॉर्म सेल्स है. कौन बताने वाला है बल्ली फॉर्म सेल्स? कोई होशियार बच्चा हमारी क्लास का जो बता दे थोड़ा सा कि बल्ली फॉर्म सेल्स क्या होते हैं, तो आई मैडम भी बोलते बोलते थक गई. बली फॉर्म सेल्स क्या होते हैं, कोई भी बच्चा जो बता सके इसको कि क्या है ये? हाँ जी बिल्कुल सही कहा, एक टाइप से मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है. फाइल जी ये नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा जी. देखो जो ड्राइंग बना के आना ना एग्जाम में, वो बना के आना ऐसी, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बनाई हुई है, कि पहले एक एपिडर्मिस की लेयर बना देना कलरफुल सी, उसके नीचे ना ये बड़े बड़े से गैप ग्रीन कलर दूसरे कलर से ले लेना, ठीक है?
बड़े बड़े से बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाना, जिसको हम कहते हैं बलीफॉर्म सेल्स, और फिर उसके नीचे जो तुम्हारी कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स बनती है फिर से उसको तुम कवर कर देना। अब आ जाओ जी, क्या होते हैं एक्चुअली ये? तो बलीफॉर्म सेल्स बेटे क्या है, ये हमारे मोटर सेल्स हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? मोटर सेल्स कहते हैं इन्हें। दे आर ह्यूज। कैसे होते हैं साइज में ये? बेटा ये है हमारा जो तुम्हारा वो चैप्टर है ना, क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन वाला, दैट मींस की चैप्टर नंबर 5 और 6 चैप्टर उसका है। बिल्कुल सही, देखो अवनी जी ने तुरंत बता दिया। क्या है हमारा? 6 चैप्टर का पार्ट है। क्या है? बलीफॉर्म सेल्स को हम क्या, मोटर सेल्स भी कहते हैं, पहला पॉइंट। और ऐसे लिख के आओगे ना, देखो तुम्हारे पॉइंट्स भी छोटे छोटे हैं और तुमको याद भी हो जाएगा कि मैम ने बलीफॉर्म सेल्स में 7 पॉइंट बताए थे, कम से कम मुझे 5 तो याद आ जाए। ठीक है, बलीफॉर्म सेल्स कैसे हैं, जिनको हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। कैसे होते हैं ये? ह्यूज। अभी आपने देखा कि हमारा जो एपिडर्मिस था वो ऐसा था, बट हमने जो बलीफॉर्म सेल्स बनाए वो कैसा बनाया था, हमने एक मोटू सा बड़ा सा सेल बनाया था। ठीक है, उसके पड़ोस वाले सेल भी थोड़े से उससे छोटे हो रहे थे, बट ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही अरेंज हो रहे थे। ठीक है, ह्यूज एंड एम्प्टी, बिल्कुल सही, जिसने भी अभी ये बात को लिए। फिर क्या है? बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स फाउंड ऑन द अपर टॉप। कहाँ प्रेजेंट है ये? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है कि ये मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट्स, जो हमारी ग्रासेस होती है। इसी वजह से आपने देखा देखा होगा ना कि वो क्या हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, फोल्ड हो जाते हैं वो। ठीक है, जितने भी लोग ये हैंड्स वेव कर रहे हैं ना, बस 20 मिनट की बात और है, सिर्फ 20 मिनट, उसके बाद मैं आपके जो इतने भी हैंड्स रेज वाले जो लोग हैं जिनको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तब हम बात करेंगे। जस्ट 20 मिनट दे दो, सिर्फ 20 मिनट बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, फिर क्या है इसका? क्या? दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप और एडेक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ। तुम लोग के हैंड रेस के चक्कर में ना मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, इतने सारे लोगों का पॉपअप हो जाता है। प्लीज कोई भी बच्चे ऐसे हैंड रेस मत करो, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीन जो दूसरी वाली होती है ना वो दिखाई नहीं पड़ती है। कहाँ प्रेजेंट है? टॉप में, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेक्सियल सर्फेस कहते हैं, ऊपर वाले सर्फेस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा जी? मिड वेन पे, जो ये हमारे क्या बोलते हैं, पत्ती की बीच वाली जो वेन है ना, उसके दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं ये हमारे। ठीक है, फिर क्या है इनका काम? क्या है? फोल्डिंग ट्रॉलिंग ऑफ लीव्स। लीव्स को क्या कर देते हैं? फोल्ड कर देते हैं, ट्रॉल कर देते हैं। अब इससे क्या होता है ना, टर्गर प्रेशर जो होता है ना लीफ का, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्गर प्रेशर। और फिर ये क्या करते हैं? दे हेल्प द लीफ टू रोल और फोल्ड इनवर्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन। अब इससे पहले कि तुम्हारे जो कोई दोस्त है वो पूछे मुझसे कि टर्गर प्रेशर मैम क्या है, तो मैं तुमको अपने ही तरफ से बता देती हूँ कि तुमने अगर ना वो देखा होगा ना कि हाँ जी, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं आपके में कि इसका जो मेन काम है ना, इज टू मिनिमाइज वाटर लॉस। वाटर लॉस को कम करना, ठीक है जी, ये इसका जो है काम है। अनुज जी ऐसा मत करवाएं भाई, बहुत सारा चीजें अभी भी रह गई हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि 25 से 30 स्लाइड्स हैं ये, हर एक चीज रिपीट करवाओगे तो कैसे होगा। चलिए जी, एक बार फिर से फटाफट से 30 सेकंड्स पे देख लेते हैं कि बलीफॉर्म सेल्स को क्या, हाँ, मोटर सेल्स भी कहते हैं। ये साइज में ह्यूज होती है, बबल शेप्ड होती है, एपिडर्मल सेल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ऊपर साइड में टॉप में। ठीक है, और ये हमारी कहाँ? मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन टॉप और एडेक्सियल सरफेस। ऊपर वाले सरफेस को हम एडेक्सियल कहते हैं, क्या? एडेक्सियल। और नीचे वाले को कहते हैं एबेक्सियल, बैक साइड वाले को क्या? एबेक्सियल, और ऊपर वाले को एडेक्सियल। ठीक है, जैसे हम डॉर्सल और वेंट्रल करते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, फिर क्या है? ये मिड वेन जो हमारी लीफ होती है ना, लीफ की मिड वेन से पास होती है और दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ये हेल्प करती है लीफ को ट्रॉल करने में, फोल्ड करने में। फिर क्या है? ये क्या करते हैं? हमारा टर्गर प्रेशर को चेंज कर देते हैं, लीफ के टर्गर प्रेशर को चेंज कर देते हैं। फिर क्या कहानी है कि दे हेल्प लीफ टू रोल और फोल्ड इनवर्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट। जब भी कोई सूखे की कंडीशन आती है ना, उस टाइम पे ये लीफ को हेल्प करती है कि वो फोल्ड हो जाए। अब वो लीफ अगर देखो, देखो आपकी ये लीफ है ये ऐसी है, और फिर अगर ये फोल्ड हो गई तो फोल्ड होगी कैसे हो जाएगी? ऐसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कॉइल की तरह बन जाएगी। अब जब आपको पता है कि इसके बाकी के सारे जो इंपॉर्टेंट वाले जो ऑर्गन्स हैं वो जो है लीफ के क्या हो गए? अंदर हो गए। मतलब कि क्या? स्टोमेटा जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि ये सब हेल्प करते हैं, वो सब क्या हो गए? अंदर हो गए। तो इससे क्या होगा ना कि वाटर का जो लॉस होगा ना वो सिर्फ ऊपर वाले में प्रेजेंट होगा, इधर इधर से, बल्कि जो अंदर वाले सेल्स हैं वो कैसे रहेंगे? हमारे सेफ रहेंगे, उनमें वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा। लीफ जो होगी ना ऐसे हमारी कर्ल हो जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, जैसे आप ब्रायोफाइट्स वगैरह में देखते हैं हम लोग वैसे। चलो जी, फिर आ जाता है बच्चे जी हमारा स्क्यूटलम। अब तुम पहले मुझे थोड़ा सा बताओ कि स्क्यूटलम से तुम क्या समझते हो?
सॉरी, अरे यार मैंने तुम लोग को आंसर बता दिया स्क्यूटलम, सो सॉरी, पूरी मैम पागल हो गई तुम्हारी। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा है कि इन मोनोकॉट कॉटिलेडन इज कॉल्ड एज, और इसी का आंसर है स्क्यूटलम, और मैं तुमसे स्क्यूटलम ही पूछ रही हूँ। ठीक है, सो सॉरी कि स्क्यूटलम होता है हमारा जो मोनोकॉट है उसके डाइकॉटिलेडन को, सॉरी कॉटिलेडन को हम कहते हैं स्क्यूटलम। क्या है ये? फर्स्ट कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं? स्क्यूटलम कहते हैं, और सेकेंड कॉटिलेडन को हम कहते हैं रूडिमेंट्री। क्या कहते हैं? रूडिमेंट्री। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एपियोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा जी इसको? एपीब्लास्ट भी कहा जाता है। अब आ जाओगे कहानी क्या है। ये कैसा है? एक स्मॉल फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होती है। क्या होती है? छोटी सी फ्लैप लाइक आउटग्रोथ, फ्लैप समझते हो ये? ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैप। ठीक है, फ्लैप लाइक जैसे विंग्स लाइक होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलेडन, मतलब कि जो ये रूडिमेंट्री कॉटिलेडन है उसी के कॉटिलेडन्स का क्या है? बच्चा खुचा पार्ट है। देख रहे हो आप? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्क्यूटलम जो है क्या है, मेन वाले से ऐसा नहीं लग रहा है। जैसे फ्लैप मतलब क्या होता है, जैसे ताली बजाते हैं के लिए फ्लैप जरूरत पड़ता है, वैसा ही। ठीक है, आप देख रहे हो ये मेन वाले से क्या है, ऐसा लग रहा है कि इस वाले से कोई पार्ट जो हमें क्या कर है अलग कर दिया है, कर दिया थोड़ा सा, कोई पार्ट जो है उसको अलग कर दिया। वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलेडन व्हिच इज नॉट ट्रूली डेवलप्ड इन मोनोकॉट्स। ठीक है, कहाँ पे जो हमारे मोनोकॉट्स में डेवलप नहीं करते हैं। फिर क्या है? मोनोकॉट्स आर सेट टू पोजेस वन कॉटिलेडन। मोनोकॉट्स में क्या होते हैं? आपको पता है एक ही कॉटिलेडन जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर क्या है? अब ये कॉटिलेडन जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लीव्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। क्या कहा जाता है इसको? प्लांट्स के जो आपका सीड के फॉर्म में होता है ना, उसमें जब हमारे ये कॉटिलेडन निकलता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लीफ कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो अंदर बीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? पहले बड़े एकदम चिपटे से होते हैं, फिर उसमें जो ग्रेन जो जब वो फूड स्टोर करते हैं तब वो मोटे से हो जाते हैं, राइट। स्टार्टिंग में अगर आपने मटर वटर कभी देखी होगी तो कैसी होती है? ऐसी चिपकी सी होती है, राइट। फिर जब उसमें जो फूड स्टोर होने लगता है तब आप देखते हो कि उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे चल रही है नॉट ट्रू लीव्स, बट ये क्या है? ट्रू लीव्स नहीं है। ठीक है, ट्रू लीव्स का आपको कैरेक्टर सबको पता है, इसीलिए हमको क्या कहते हैं? सीड लीव्स कहते हैं। क्या कहते हो बेटा इसको आप? सीड लीव्स कहते हो। चलो जी अब आ जाओ आगे। इन ओपुंचिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, आंसर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? स्पाइंस। किसमें? कांटे में बदल जाती है। क्यों? ताकि वो वाटर लॉस को कम से कम कर सके और ग्रेजिंग एनिमल्स जो है उनसे प्रोटेक्शन भी कर सके। चलिए जी अब आप पहले मुझे बताइए कि आपको, जस्ट वन सेकेंड बच्चा आ गया, एक सेकंड बेटा। हाँ हाँ जी बेटा, ये चैप्टर 5 के हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं। अब पहले आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कल वाला जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें, या फिर आप चाहते हो कि आपको क्या बोलते हैं, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं पहले ले लूं, बिकॉज अब हमारे पास टाइम रहता है सिर्फ 15 मिनट्स। ओके जी, कोई इशू नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव डिलीटेड है, बट क्या था ना, एक दो मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ना वो टीचर्स पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डाउट्स लेना है तो बताइए जी आप लोगों को क्या डाउट्स है। प्रिपरेटरी टिप्स चाहिए बच्चे, प्रिपरेटरी टिप्स तो मैं तो अपनी क्लास में ही ऑलरेडी सबको देती रहती हूँ कि क्या बोलते हैं आप क्या करूँ कि आप जो चीजें है ना, मैं अभी सुभाना जी 5-10 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद जो मैं ना आपको फिर ये जो पीडीएफ से रिलेटेड वाला काम है ना, मैं हर एक बच्चे का वो लिखने वाली हूँ नाम, डोंट वरी। जो मैंने जिस चीज को प्रॉमिस कर दिया ना, सो आई जस्ट मीन इट कि मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो आपका जो है ना वो कंप्लीट वो होगा, ठीक है, जस्ट एक मिनट रुक जाइए क्योंकि मुझे अभी आपके मैसेजेस दिख नहीं रहे, जस्ट वन सिंगल मिनट रुकिए। अच्छा अब मुझे बताइए कि आपके इसमें क्या फ्रूट्स वाला पार्ट आ रहा है? थैंक यू शुभाना, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। फ्रूट्स वाला और सीड्स वाला जो पार्ट है वो आ रहा है क्या? ओके, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि वो भी ना एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बस हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें है क्या क्या, ठीक है, उसके बाद जो है हम इस वाले चैप्टर पे जो आप लोग के डाउट्स होंगे 10-15 मिनट बाद हम उसको तुरंत से ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर तो कंप्लीट कराना ज्यादा बस में नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थैलेमस एंड रिसेप्टिकल्स? थैलेमस एंड रिसेप्टिकल्स बेटा सेम ही चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है?
ओके जस्ट वन सेकेंड, बस मैं अपने फोन से ना उसको थोड़ा सा लॉग इन कर रही हूँ, जस्ट 1 मिनट लगेगा एंड वी विल बी देयर। चलो जी, दिख रही है आपको स्लाइड्स सबको? बिकॉज मुझे अभी तुम्हारी स्लाइड्स नहीं दिख रही है, बस 1 सेकेंड दीजिए सो दैट मैं अपने फोन से लॉग इन कर लूँ। मुझे लगा था कि शायद आप लोग सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ के छोड़ दोगे, इसलिए मैंने अपने फोन से लॉग आउट कर दिया था। बट नाउ व्हेन यू आर सेइंग कि आपको जो ये चैप्टर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कंप्लीट करना है, बिकॉज लास्ट टाइम पे भी बच्चों ने यही किया है, तो मैं फिर से अपना फोन जो है स्टार्ट करके रख लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, फटाफट से देखना। ठीक है, ओके जी, मैं विजिबल हूँ आई गेस अब तो सबको। ठीक है, फ्रूट्स वाला पार्ट है, आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रूट, व्हाट आर फ्रूट्स, तो आप क्या लिख के आओगे उसके सिर्फ और सिर्फ आप क्या अभी पॉइंट्स पे ध्यान दो। अगर आपने फ्रूट्स वाले पार्ट में 10 पॉइंट्स भी लिख लिए हैं तो दे आर मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, क्या है ये? एक राइपेंड ओवरी है। राइपेंड ओवरी का मतलब समझते हो? ओवरी और ओव्यूल्स हमने दो चीजें पढ़ी थी जब हमारा जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन जो था, अभी जब डबल फर्टिलाइजेशन वाला वर्क जब कंप्लीट हुआ था तो दो चीजें आई थी, एक था ओवरी एक था ओव्यूल्स। तो ओवरी वो वाला पार्ट होता है जो फ्रूट का पार्ट हम खाते हैं, ठीक है, उसे वो हम खाते हैं, और जो बीजे होते हैं ना, बीज होते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हो उसको? आप कहते हो ओव्यूल्स। तो जो हम पार्ट खाते हैं ना किसी भी मैंगो का या सेब का, वो वाला पार्ट हम कौन सा खाते हैं? हम खाते हैं बेटा ओवरी। तो इट इज बेसिकली अ राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ये स्लाइड्स मैंने खुद ने बनाई है इसीलिए तुमको इतनी कलरफुल दिख रही है। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। दूसरा प्लांट क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो क्या कि अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी बन जाते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसको आप कहते हैं, हाँ जी कुमकुम, सारे चैप्टर से क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब देखो, जो ये मैंगो और कोकोनट होता है ना, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इस टाइम पे हम फ्रूट को क्या कहते हैं? फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप। क्या कहा जाता है इन्हें? ड्रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? वन सीडेड होते हैं। कैसे होते हैं? आपने देखा होगा ना कि मैम, नहीं बेटा सब दिख रहा है, अगर मेरी स्लाइड में सब विजिबल है तो तुम्हारी स्लाइड में सब विजिबल कैसे नहीं होगा? थोड़ा सा उसको जूम कर लो हल्का सा बच्चा। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिर्फ एक सीड होते हैं। अगर आपने मैंगो को कभी काटा होगा तो उसके अंदर क्या है, जो ये बीज होता है उसके अंदर भी आप देखते होंगे कि एक बीज निकलता है जिसमें क्या 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। हाँ जी पायल जी, आगे से मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी कि व्हाइट कलर से ठीक रहता है। ये बस बच्चों की डिमांड थी इसीलिए जल्दी जल्दी करके बन गया था, बाकी तो और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देख लो बेटा, थोड़ी सी मेहनत तो तुम भी कर सकते हो। अगर मेरे में विजिबल है तो तुम्हारे में भी विजिबल होगा। ठीक है, चलो जी, एक फ्रूट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प, या जिसको आप कहते हो फ्रूट की वॉल्व। हाँ जी, पूरा जूम करके देखो। हाँ देखो, तुम्हारे साथ वाले बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि विजिबल है, एटलीस्ट तुमको कम से कम कंटेंट तो मिल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, चलो जी, चलो 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 चलो। हाँ, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे सारे के सारे। चलो, ये कैसा हो सकता है बच्चे? ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू नीता जी। चलिए, और साथ ही साथ क्या है ये? थिक भी हो सकता है, थिक मतलब मोटा, साथ में फ्लेशी भी हो सकता है, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है कितने पार्ट्स में। थैंक यू सो मच कुमकुम, 3 पार्ट्स में डिफरेंस हो जाते हैं। थैंक यू शिव जी। चलो, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब इन तीनों को हम कहते क्या है? जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना बेटा, उसको, हाँ जी बिल्कुल सही, मीजोकार्प को हम खाते हैं, जो छिक्कल होता है ना उसका बेटा, उसको हम कहते हैं एपिकार्प। क्या कहते हो? एपिकार्प। बट कोकोनट का केस जो होता है ना, वो अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग होता है, इतने डेप्थ में ऑल्दो अभी जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेंगे फटाफट से। और जो पार्ट हम लोग खाते हैं ना, उसको हम कहते हैं मीजोकार्प या मिडल वाला पार्ट। ठीक है, और फिर जो बीज वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा बीज प्रोटेक्टेड रहता है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। अब देखो जी, इनका क्या कहानी है? ये तो आ गया छिक्कल वाला पार्ट, क्या हमारा एपिकार्प, बिल्कुल सही, मीजोकार्प जो हम खाते हैं वो सही। फिर आता है सीड, और फिर देखो एक आता है हमारा पहले एंडोकार्प, मैंगो के केस में यहां देख रहे हो, यहां पे पहले एक एंडोकार्प आ रहा है, उसके अंदर सीड है। और कोकोनट का केस क्या है? कोकोनट का केस तो और भी गजब, इसका देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले एक बार देखो तो, कोकोनट का केस क्या है? एक्सोकार्प जो हो गया उसका बाहर ग्रीन वाला लेयर। ठीक है, मीजोकार्प इसका क्या हो गया? हमारा जो ये हस्क वाला पार्ट है,
जो ये हस्क वाला पार्ट है, तुम लोगों ने वो देखा होगा ना, ये क्या बोलते हैं मीजोकार्प, इसमें जो होती है ना ये फिब्रस हस्क, जो कि लोग क्या बोलते हैं जला देते हैं लोग, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना नारियल वाले, जिसकी क्या बोलते हैं उसको, जो ब्राउन वाले जो नारियल होते हैं जो पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं, वो वाला पार्ट की मैं बात कर रही हूँ इसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या जाता है, उसके अंदर इसमें आते हैं दो फिर से पार्ट। हाँ जी पायल जी बिल्कुल सही समझे, मैं उसको हिंदी नहीं समझ में आ रही, उसको क्या बोलते हैं, क्या होते हैं इसके दो अलग पार्ट होते हैं, एक होता है एंडोकार्प जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंडोकार्प पता है क्या होता है, वो जो नारियल होता है ना हमारा, मतलब ये वाला भी नारियल नहीं, ये वाला भी नारियल नहीं, एक और भी नारियल होता है ना जो ब्राउन कलर का होता है सिर्फ, वो जो सूखा वाला नारियल जिसे कहते हैं हम, गोला कहते हैं आई गेस हम लोग यूपी में, हमें उसे गोला कहा जाता है, राइट। हाँ, जो आरती के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही अनुपमा ने कहा, ठीक है। तो ये जो नारियल होता है ना उसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, इस वाले नारियल का, इसका नहीं, ठीक है, उस वाले नारियल का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ना उसको बच्चे हम कहते हैं एंडोकार्प, और हम जो इस नारियल में खाते हैं, चलो जी सबको पता है गोला, ठीक है, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट हम लोग जो खाते हैं ना उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या कहते हैं उसे बच्चे जी, अंदर वाला जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। ये आपके नीट के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, चलो जी आगे बढ़ जाओ, आप आ जाओ सीड पे। सीड की कहानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो जी क्या कहानी है कि अभी आपको, अगर मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग से अगर पूछा जाएगा ना फ्रूट के बारे में, तो तुम लोग एटलीस्ट 5 से 6 लाइन तो लिख ही लोगे बहुत आराम से, ठीक है, कि ये राइपेंड ओवरी है, इसका ये किसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप कर जाते हैं ओवरी में, और मैंगो और कोकोनट वाले को हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं, क्योंकि ये मोनोकार्पली एक सिंगल सीड से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा तुम पेरिकार्प को एक्सप्लेन कर देना कि वो 3 पार्ट से बनी होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और यू आर डन। एंड फ्रूट्स का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आई एम डैम श्योर अबाउट ये 4 मार्क्स से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। परसों की क्लास में हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ा, ठीक है। फिर अब जो तुम्हें पढ़ना है ना वो पढ़ना है सीट, इसी तरीके से हम, थैंक यू अनुज, थैंक यू, बहुत मेहनत की थी, बड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था ये सब, ठीक है। सीड वाले के पार्ट में क्या पढ़ लिखोगे, सिमिलरली तुम सीड वाले के लिए भी सिर्फ 10 पॉइंट लिख लो, कि तुम्हें ना 10 पॉइंट पढ़ने हैं, ये 10 पॉइंट तुमने 5 बार पढ़ लिया ना, आई एम श्योर अबाउट इज कि 7 एक तुम्हें याद हो जाएंगे। हाँ जी सुविया मुझे पता है परसों एग्जाम है तुम्हारा। चलो क्या है, इट इज द मेच्योर ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा ओवरी, ओवरी से क्या बना हमारा फ्रूट। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं ओव्यूल से हमारा क्या बन रहा है, सीड। क्या बन रहा है, सीड। इट इज द मेच्योर ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मेच्योर ओव्यूल है जो कि डेवलप्ड हुआ है हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। फिर क्या है, अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड में है क्या, एक होता है सीड कोट, ना फीचर मोस्टली देखने को मिलेगा किसमें, डाइकॉट्स में। सीड का जो प्रेजेंस है ना वो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा डाइकॉट्स में, और एम्ब्रियो वाला जो है ना वो तो दोनों में मिलेगा, क्योंकि एम्ब्रियो तो एक जो वाला जो फीचर है ही, ठीक है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। रेडिकल्स देखो, एम्ब्रियो जो है ना हमारी वो किसकी मिलकर बनी होती है, देखो एम्ब्रियो से तुम क्या समझते हो, ये इसमें दो चीजें हैं, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल, क्या कहते हो बेटा, रेडिकल, जो कि हमारा आर से रेडिकल और आर से रूट बनाता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लीम्यूल। हाँ जी गौरव जी, मैम मोनोकॉर्ड, हाँ जी बेटा जी मोनोकॉर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। क्या है ये प्लीम्यूल, ठीक है, ये क्या है हमारा प्लीम्यूल, जो क्या बनाएगा, हमारा स्टेम बनाएगा आके चल के, जिसको हम क्या कहते हैं एरियल पार्ट जो बनाएगा वो बनाएगा ये, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ, एम्ब्रियो कॉर्ड इज मेड अप ऑफ रेडिकल। एम्ब्रियो किससे बना होता है, रेडिकल से। बच्चे जी प्लीज, मैं ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट क्लास और ले रही हूँ, 10 मिनट के बाद मैं सारे तुम्हारे जो जो नोट डाउन करने वाली चीजें हैं ना वो सब नोट डाउन कर लूंगी, ठीक है। 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट, ठीक है, 10-25 तक मैं बस आपको ये पढ़ाऊंगी, जितना भी हम पढ़ सकते हैं, तो इसलिए प्लीज बीच में कुछ मत बोलो, हिस्से में टूट जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा अभी, कि मोनोकॉर्ड्स हमारे वो होते हैं जो कि जैसे हमारा क्या बोलते हैं मक्का जो होता है ना, जो बाजरा जैसे हम कहते हैं, सॉरी भुट्टा जैसे हम कहते हैं, मेज, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और बाकी जितने भी हमारे मटर होता है, चना होता है, छोले होते हैं, राजमा होते हैं, उनको आप दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हो, तो उसी को हम कहते हैं कॉटिलेडन। मोनोकॉर्ड्स में सिर्फ सिंगल होते हैं और डाइकॉट्स में होते हैं, तो ये हमारा मोनोकॉर्ड का जग प्रसिद्ध डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तुमको ना एक डैम श्योर तरीके से भी कह सकती हूँ कि कुछ आए ना आए तुम्हारे एग्जाम में, बट ये डायग्राम ना तुमसे जरूर पूछा जाएगा। अभी तुम लोग कह रहे थे ना इंपॉर्टेंट डायग्राम बना देना, इट इज
अरे कुमकुम जी, क्या बात कर रहे हो बेटा। इट्स ओके इट्स ओके। चलो, ये जो डायग्राम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कह रही हूँ, बस 5 मिनट मुझे और दे दू, मैं डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों को खत्म कर देंगे और उसके बाद तुम्हारे पास डाउट्स ले लूंगी मैं, ठीक है। चलो जी, क्या है, फटाफट से पढ़ लेते हैं डाइकॉट्स का स्ट्रक्चर के बारे में। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, क्या कहते हैं उसे, सीड कोट कहते हैं। अब सीड कोट में दो लेयर है, बहुत ध्यान से सुनो। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहते हैं उसे, सीड की क्या कहते हैं उसे, सीड कोट कहते हैं। सीड कोट में दो लेयर, कौन सी, बाहर वाली को हम कहते हैं टेस्टा और इनर वाली को कहते हो टेगमेन। कैसे लिख के आना, सीड कोट, देखो मैम के पास क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा वो मुझे ना बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स में ज्यादा आता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही चीजें यूज नहीं करती। अगर मेरे नोट्स बोले जाए ना कॉपी से, तो बहुत अच्छे से तुम्हें दे दूं इजी तरीके से। उसको लिखना आउटर और इसके आगे लिखना टेस्टा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिख के आना, ठीक है। फिर लिखना इनर, आई गेस सबको विजिबल है, और इसके आगे लिखना टेगमेन, ठीक है। बस इतने सा लाइन मेरे हिसाब से सारे के सारे याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऑन द सीड कोट, सीड कोट में क्या हो रहा है, देयर इज अ स्कार, एक क्या है, स्कार प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक स्कार प्रेजेंट होता है चनों में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्काइलम। और स्काइलम के नीचे भी ना एक छोटू सा क्या था ना, एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसको आप कहते हो माइक्रोपाइल, क्या कहते हैं हम जिसे, माइक्रोपाइल। ऑन द सीड कोट देयर इज अ स्कार, जिसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या काम क्या है, आप समझ रहे हो, स्कार मींस बच्चे की एक, अरे एक जनरल शब्द नहीं होता है स्कार, जैसे हम छेद कह लो तुम एक तरीके से, होल कह लो, ठीक है। आप अगर देखते होगे कि जो मटर का, हमारा जो मटर को जब तुम खोलते हो ना, हाँ जी बेटा वो भी सेंड कर देंगे पायल जी। तुम पायल मुझे अपना एड्रेस बता देना, तुम्हारे घर ही आ जाऊंगे तुमको पढ़ाने के लिए, सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ले आऊंगी, ठीक है। देखो अगर तुम कभी देखते होगे ना कि जो मटर का पौधा हो, मटर के जब, मटर तो सबने छीला होगा, ठीक है, तो अच्छा जी प्रीति ये मटर है हमारी, ठीक है, ऐसे करके क्या है, ये ऐसे करके जुड़ी होती है, राइट। चलिए चलिए पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। जो मटर होती है हमारी, मटर की जो फली होती है, सबने छीली होगी आई गेस, ठीक है, सबसे अच्छा इसलिए एग्जाम्पल लगता है ये, क्या है, ऐसे करके जुड़ी होती है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको जोड़ने वाला, ये इसी को अटैच रखता है, ये जो हमारे फ्रूट से, देखो आपको पता है मटर का जो ये पूरा पौधा है, ये क्या है हमारा, उसका फ्रूट है, राइट, पूरा का पूरा। और जो इसके अंदर वाले है ना हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लीज एवरीवन कीप क्वाइट, मैम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, टॉपिक को पकड़ लो, ठीक है, क्या है ये, चलो 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 फटाफट से देखो, ये जो बीज है ना बेटा, ये बीज जो है हमारा, ये हमारा सीड है, मटर का जो ये बीज होता है ना बेटा, ये हमारा सीड है, ये क्या है, ये ही हमारा जो ये अटैच हुआ ना, ये कहाँ से अटैच हो रहा है, हाइलम से। हाइलम जो है हमारा फ्रूट को सीड से अटैच कर सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं अबव द हाइलम। हाइलम के जस्ट ऊपर एक पोर है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ, व्हेन द सीड कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो उसमें क्या है, दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है, ठीक है। कॉटिलेडन्स क्या है, एक फ्लेशी एंड फुल रिजर्व हमारे फूड मटेरियल है। एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, क्या होता है हमारा, एक रेडिकल प्रेजेंट होती है और दूसरा हमारा प्रिम्यूल प्रेजेंट होता है। अब आ जाओ जो चीज मैं तुमको पढ़ाना चाहती थी, ये सारा का सारा आप देख सकते हो अपने आप से, मतलब ये अभी तुम एग्जाम में नहीं भी लिखोगे ना, देन ऑल्सो इट्स ओके कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, नॉन एंडोस्पर्मस, अभी के लिए तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है ये, जो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कराना चाहती थी। और हमारे पास क्या है, 2 मिनट्स वाला जो टाइम है, बस वो थोड़ा सा रह गया है, वरना तुम्हारे जो क्वेश्चंस लेने के लिए ना, मुझे फिर से 11:15 बज जाएंगे, ठीक है। क्या है, मोनोकॉट्स क्या है हमारे बच्चे, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि मोनोकॉट जो की जो सीड होते हैं कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक, बट कुछ कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक भी होते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्किड्स में, ठीक है। बहुत ध्यान से सारे के सारे बात सुनते जाओ, बस इतने ही पॉइंट्स लिख के भी आने, और ये डायग्राम बच्चे आएगा जरूर, हमेशा आता है 11th क्लास के फर्स्ट एग्जाम में। फिर क्या है, इन सीरियल्स जैसे कि मेज में, मेज मतलब समझते हो ना भुट्टा, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, सीड कोट कैसी है, मेम्ब्रेनस है और जनरली फ्यूज्ड होती है। आपको ये बात मैंने स्टार्टिंग कि जितने भी आपने ये जो ये क्या बोलते हैं मेज कह लो, या फिर आपने क्या कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, वीट जिसे हम गेहूं कहते हैं, आप उसमें देखते होगे ना कि उसकी छिलके को आप उतार नहीं पाते हो, ठीक है, माइट भी थोड़ा सा बॉईल करो तब वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बल्कि अगर आप देखो तो मटर में, या राजमा ले लो, या फिर हमारे छोले ले लो, उनको हम जब उबालते हैं तो उसके छिकल को हम इजिली अलग कर सकते हैं, राइट। या हमारी मूंगफली ले लो, ठीक है, इन सब के क्या है, इनको मूंगफली, ठीक है, इन सबको क्या कर सकते हैं, इनके छिलकों को हम इजिली अलग कर सकते हैं। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सीड कोट है ना, वो फ्यूज्ड नहीं है। और इनमें क्या हो रहा है कहानी, कि इनकी जो सीड कोट है ना, वो मेम्ब्रेनस तो है, बट क्या है, फ्यूज हो जाती है सीड वॉल से,
फ्रूट की बॉल से, ठीक है, फ्रूट बॉल से क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीड कोट और फ्रूट वॉल की हमने एक ही लेबलिंग बना रखी है, एक ही लेयर बना रखी है। उसके अंदर जस्ट हमारा क्या है, एलुरॉन लेयर, या जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म हमारा प्रेजेंट है। फिर क्या है, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन लेयर। हमारी जो आउटर कवरिंग होती है ना एंडोस्पर्म की, ये हमारी बाहर की लेयर से एंडोस्पर्म को कौन सेपरेट कर रहा है, तो सेपरेट कर रही है हमारी एलुवियन लेयर, जो कि क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है। किससे सेपरेट कर रही है, एंडोस्पर्म को फ्रूट वॉल और सीड की वॉल से अलग अलग कर रही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना बच्चे, वो आता है इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि क्या है, स्क्यूटिलम। अभी बस यहाँ के लिए तो तुम्हें एक वो वर्ड यहाँ बस इस डायग्राम को, डायग्राम आगे वाले पेज में भी है, चलो जी यहीं पे देख लो। द एम्ब्रियो कैसा है हमारा, इसका एम्ब्रियो स्मॉल है, इट इज सिचुएटेड इन अ ग्रूव, ग्रूव मतलब गड्ढा, ठीक है, स्मॉल है और हमारा ग्रूव में सिचुएटेड होता है। ठीक है, कुमकुम जी अभी बता रहे हैं डायग्राम, थोड़ा सा देख लो ऊपर पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, वरना टाइम आप देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। ठीक है, इन अ ग्रूव, ठीक है, एक क्या गड्ढे में हमारा जो ये एम्ब्रियो है वो एक गड्ढे में प्रॉपरली देख रहे हो, ये धसा हुआ है एक तरीके से कह सकते हो आप। फिर क्या है हमारी कहानी इसकी, देख लो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, गड्ढे में प्रॉपरली धसा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, जिनको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटिलम कहते हो आप, जैसे क्या कहते हो बच्चे जी, इसे आप स्क्यूटिलम कहते हो। एंड उसके साथ साथ एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट होती है, जिसे आप क्या कहते हो, प्लीम्यूल एंड रेडिकल कहते हो। क्या कहते हो बेटा जी, इसको हम कहते हैं प्लीम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है जी, इसको आप कहते हो प्लीम्यूल और रेडिकल। द प्लीम्यूल इज प्रोटेक्टेड इन अ शीथ कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। ये आप देख रहे हो जो प्लीम्यूल है, यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा था कि जब मैंने आपको पढ़ा रही थी उस टाइम पे, मैंने आपको क्या बताया था कि प्लीम्यूल आपका क्या बनाएगा आगे चल के, ऊपर वाला, जस्ट वन सेकेंड बेटा, आपका मैसेजेस दिखना मुझे बंद हो गया, वन सेकेंड, ठीक है। जो प्लीम्यूल जो है बच्चे हमारा, वो क्या बनाएगा, हमारा ऊपर का जो एरियल वाला पार्ट होता है, एरियल वाला पार्ट का मतलब होता है स्टेम वाला पार्ट, ठीक है, शूट वाला, बिल्कुल सही फलक, ठीक है, नाइस नेम एंड नाइस आंसर, ठीक है, जो हमारा एरियल पार्ट होता है। और रेडिकल हमारा बनाता है रूट वाला पार्ट, बिल्कुल सही योग्यता, ठीक है। तो आपको याद भी करना ऐसे ही है, जो रेडिकल है ना उसमें आर आ रहा है और कॉलियोराइजा जो है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है, ठीक है, रेडिकल को कॉलियोराइजा प्रोटेक्ट कर रहा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जब आपको ये याद हो गया कि रेडिकल को कॉलियोराइजा प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लीम्यूल को कौन कर रहा है, कॉलियोप्टाइल प्रोड्यूस प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, कॉलियोप्टाइल, ठीक है जी। चलिए जी, और यहीं पे हमारा जो ये वाला चैप्टर होता है अब हो जाता है खत्म, क्योंकि अब आपके पास बचता है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, फैमिलीज वाला पार्ट, और फैमिली वाला पार्ट पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन से ग्रुप में क्या नहीं प्रेजेंट हो रहा है, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है प्लीज फटाफट से, क्लास इज ओवर, यू कैन लीव। बेटा जी आराम आराम से बताओगे, प्लीज एक बार मुझे मेरा पेन देख लेने दो कहाँ है, ठीक है। बेटा आप हाँ जी, जी 57, और बताइए फटाफट, जी 58, जी 53, 58, अरे तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी मत करो भाई, मिस हो जाएगा, 60, 59, 35, 68, 60, 50, 54, 56, यार ऐसे तो तुम लोग क्या सारे के सारे बच्चे हर एक उसमें प्रेजेंट हो, 35, ओके, 60, 59, ठीक है, 58 है मेरे पास, 49, 56, हाँ जी 55 लिख दिया योगिता, कितने बार बताओगी, 56 भी लिख दिया है। चलो एक बार मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगी, 59, 54, 57, 58, 53, 60, 59, 49, and then 35, 68, 50, 54, 56, 55, 35, अच्छा 44 भी है, ठीक है, and 35, 60, and 59, and 56, इतने लोगों के मैंने नाम लिख लिए हैं। अब आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से मिस्ड हैं, 44, हाँ जी मैंने 44 लिख दिया है शिव जी, 4 भी है कोई,
बेटा एक बार अपने ये वाले एग्जाम दे लो, उसके बाद आपके जो नीट के एग्जाम्स है ना उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच अदिति, अच्छा लगा मुझे आपको पढ़ा के भी। जी 60 60 मिस नहीं है बेटा, 60 मैंने लिख दिया है। हाँ जी हाँ जी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो पहुंचा दी जाएंगे। जी 4 भी लिख दिया है मैंने शिव जी, जी 60 भी लिखा हुआ है, जी 58 भी लिखा हुआ है। हाँ जी, जी 58 लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मैंने टाइम स्लॉट चेंज करने के लिए बोला था धर्मिता, अभी टाइम स्लॉट सबका चेंज होने वाला है बेटा, सिर्फ आपका नहीं सबका चेंज होने वाला है। थैंक यू अरिबा जी, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे कॉमेंट सुन के अच्छा लगता है। ओके जी, मैं आपके जितने भी बचे हुए हैं ना वो सारे सारे भिजवा दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लें आप लोग। थैंक यू प्रीति सो मच कि इतने रात में आप सारे के सारे जग के पढ़ रहे हो। ओके जी, किसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप मुझे बता दीजिएगा, एक बार हम बैठ के उसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको मुझे अपना रोल नंबर बताना पड़ेगा और अपना स्कूल बताना होगा। तेहरा तेहरा जी, मैम आप कब तक सेंड करेंगी नोट्स? मैं बेटा कल सुबह तक नोट्स का सेंड कर पाऊंगी, बिकॉज अभी मैं जाके खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, सुबह उठ के सेंड करूंगी आप लोग को। बाय बाय जी, थैंक यू थैंक यू। ओ बेटा इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करोगे, पता है फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेने का मन करता है तुम्हारे कॉमेंट्स के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिंधु जी, थैंक यू प्रियंका जी, बहुत ही प्यारे कॉमेंट्स थे आपके। बाय बाय जी, बाय बाय, कोई नहीं ले लो, क्या लेना है भाई। थैंक यू सो मच बच्चे जी, फ्लोरल फॉर्मूला 16NSE का ऐसे ना करवाओ जी, तुम लोग ऐसे काम क्यों करवा रहे हो बार बार। हाँ जी भाई फटाफट, तुम लोग पता है तुम लोग जल्दी चले जाया करो यार। ओहो थैंक यू अवनी, थैंक यू सो मच बेटा। बेटा नीट के अलावा कौन से ऑप्शन है वो भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू फलक। मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है बेटा जी। थैंक यू सिंधु जी, थैंक यू। बस एक मिनट दिख लीजिए, किसी को 16NSE का फॉर्मूला चाहिए था ना, फेबेसी 16NSE, ये रहा 16NSE का फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ जी आकृति जी, ये लोग तुम्हारे दोस्त लोग जाने नहीं दे रहे मुझे, मैं क्या करूं बताओ। तुम अपने दोस्तों को बोलो कि भाई जाओ भाई किसी और मैम की क्लास लो, ताकि अंजलि मैम खाना खा लें, तो फिर मैं जाके खा भी पाऊं। ये लीजिए आपको मिल जाएगा 16NSE का फॉर्मूला, यहाँ से देख लीजिए। हाँ जी सिंधु जी, बस जा रहे हैं। चलिए जी फटाफट से दिख रहे हैं सबको मेरे अकॉर्डिंग, जल्दी 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 करिए। शिव जी हिंदी मीडियम वाला क्या बात होगी, जरा से मुझे दोबारा से बताएंगे, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं क्लास में कि वो जो चैट बॉक्स है ना वो रन कर रहा है, मैं इसलिए सबके कमेंट जो है वो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। हिंदी मीडियम का आपको अलग से चाहिए। गुड नाइट पायल, गुड नाइट बेटा। मैम आप शिव जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जिसको ये 16NSE वाला फॉर्मूला चाहिए था उसे मिल गया ना ये वाला, आपको मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ है। हाँ जी बेटा जी आकृति, गुड नाइट। चलो जी फटाफट से जा सकते हैं आप सारे के सारे। ओके ठीक है, पाए मैम हिंदी मीडियम में, अब इंग्लिश में कैसे लिखें। बेटा शिव उसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब आप 11th में आते हो ना, अभी तो चलो तुम थोड़ी बहुत तब भी हिंदी लिख सकते हो, बट द मोमेंट आप उस पे आओगे ना अपने बैचलर्स में, तो आपको इंग्लिश ही स्विच करनी पड़ेगी ना, तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, नथिंग एल्स। ओके तेहरा जी, कोई नहीं, मैंने भी आपको क्या बोलते हैं बहुत मिस किया था तेहरा तेहरा, आपका नाम बहुत यूनिक है। कैसे शिव जी, ये इस पे हम लोग फिर कभी आराम से बात करेंगे, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप सारे के सारे फटाफट से जो है आपका चैट बॉक्स है उसको ऑफ करके बाय बाय गुड नाइट करके जा सके, क्योंकि अभी भी क्लास में नंबर कल क्लास है। सिमरन नमस्ते शिव जी, गुड नाइट जी, बाय बाय फलक, बाय गुड नाइट। हाँ जी तेहरा जी, बट नाम आपका बहुत यूनिक है।
थैंक यू, बाय पीयूष। चलिए जी, आई गेस अब किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, एवरीथिंग इज एंड एवरी, सबका जो डाउट है वो सॉर्टेड है। सो अब हम